देखो कमला, तूने तो इस पाठशाला का नाम रोशन कर दिया, तू सारे सूबे में फर्स्ट आएंगे। आपका आशीर्वाद बना मैं अच्छी जानती जान। अरे कमला, तू सुबह सवेरे कहां से आ निकली? जानती, आज मैट्रिक का नतीजा निकला है, मैं पास हो गई हूँ। अच्छा हाँ, बहुत बहुत बधाई, बड़ी खुशी हुई। अरे आगे कैसे, मैं सारी यूनिवर्सिटी में अव्वल नंबर पर आई हूँ। अव्वल नंबर पर? मगर ये यूनिवर्सिटी क्या चीज होती है? अरे बुद्धू, तुझे कैसे समझाओ, समझने के 10,000 लड़के लड़कियों ने इम्तिहान दिया था, मैं इन सब पर बाजी लेगी। अच्छा कमला, शुक्र है भगवान का जिसने तुझे इतनी इज्जत दी। एक मामूली हकीम की लड़की 10,000 लड़के लड़कियों से बढ़कर निकली। सच कहा है किसी ने, गोदड़ी में लाल होता है। तुम्हारी माता जी कहाँ है? उनको भी प्रणाम करती जाओ, वो तो 12 बजे सोकर उठेंगी। और चाचा जी? पिताजी तो सुबह सवेरे ही तुम्हारी दुकान पर चले गए। तू घर पर ये खबर सुनाकर आई है ना? नहीं, रास्ते में तेरा घर पड़ता था, सोचा पहले अपनी सखी को खुशखबरी सुनाती जाऊं। तो चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, चाचा जी को भी बधाई दिया। मेरी बात जरा गौर से सुन। सुनाइए। तू है पेट का कच्चा, खबरदार किसी को इसका नुस्खा बताया तो समझ गया, जा इस पर जाकर लेबल लगा दे। ये ले। लेकिन लिखूंगा क्या? है लिखना भी पड़ेगा। हाँ तो लिख दे जाकर रोगने बैंस उर्फ देसी सैंस, कीमत 2.5 रुपए छटैंस। चाचा जी। कौन है भतीजी भाई? चाचा जी। कौन जानकी, क्या बात है? बहुत बहुत बधाई हो चाचा जी। हा? कमला सारे सूबे में अव्वल नंबर पर आई है। अव्वल नंबर पर आई है सारे सूबे में? अरे ओ शर्मा लाल बिहारी। हाँ जी। ओ बिहारी लाल शर्मा, अरे देख मेरी बिटिया को सारे सूबे में अव्वल नंबर पर आई है। लेकिन हकीम जी, कौन से मुकाबले में? अबे उल्लू के चरखे, कभी अखबार पढ़ा हो तो तुम्हें पता चले ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। आज मेट्रो लोशन का नतीजा निकला, उसमें बिटिया अव्वल नंबर पर आई है। अरे ओ बुआ, कमला की बुआ, कुछ सुना तुमने? क्या है, शोर क्यों मचा रहे हो इतना? अरे शोर तो क्या, आज मैं गुल भी मचाऊं तो वो भी कम है। कमला 10वीं जमात में पास हो गई और वो भी सारे सूबे में अव्वल नंबर पर। बस इतनी सी बात के लिए भगवान की पूजा में बिघन डाल दिया? मेरे दिल का बाग तो उस दिन हरा होगा जिस दिन हीरा पला पास होंगे। अरे बिहारी लाल शर्मा। हाँ जी। इस घर में सभी अव्वल नंबर हैं। अगर गवर्नमेंट पूजा पाठ का इम्तिहान ले तो हमारी बहन भी आमला हेयर ऑयल दर्जा अव्वल की तरह पास हो सकती है। और हाँ बेटा, आज मुझको भी मुबारक दो, मैं भी अव्वल नंबर पर आया हूँ। तो बताना। हाँ हाँ हकीम जी, आज इन्होंने वो अर्थ निकाला है, वो अर्थ निकाला है बिटिया, कि जिसका नुस्खा हकीम सुलेमान के बाप ने भी नहीं सोचा होगा। अबे ओ शर्मा लाल बिहारी, हकीम सुलेमान नहीं, अरस्तु कहो अरस्तु। हाँ बिटिया एक बात बताओ, कि अगर कोई लड़की अव्वल नंबर पर पास हो रहा है तो गवर्नमेंट उसके लिए कोई इनाम विनाम भी देती है या नहीं? क्यों नहीं बाबू जी, मुझे हर महीने वजीफा मिला करेगा। वजीफा? बिहारी ले भाई, आपकी तो बुढ़ापे में पेंशन लग गई बेटी, 100-200 रुपए तो मिल ही जाया करेंगे ना? इतने नहीं बाबूजी, कॉलेज की फीस माफ हो जाएगी और किताबों का खर्च वगैरह निकल जाया करेगा। बस तो फिर लानत है ऐसे अव्वल नंबर पर, हमें कौन सा तुम्हें कॉलेज पढ़ाना है? मगर बाबूजी, मेरी पढ़ाई पर तो आपकी एक पाई भी खर्च न होगी। पढ़ाई पर तो ना होगी, लेकिन रहन सहन में तो फर्क पड़ जाएगा। रोज कॉलेज जाने के लिए तू तांगा या साइकिल मांगेगी, और फिर कॉलेज में ये सलवार कुर्ता भी तो नहीं चलता। इस बात की चिंता आप मत कीजिए, मैं किसी किस्म का फजूल खर्च नहीं करूंगी। यहाँ खर्च करने के लिए रखा ही क्या है जो तू करेगी, लेकिन याद रख, मैं तुझे कॉलेज वालों की हवा नहीं लगने दूंगा। पराए लड़कों के साथ बैठकर पढ़ना, खुले मुंह बाजार में आना जाना, बस यही है ना कॉलेज की तालीम। और फिर आजकल के तो बीए पास लड़के भी बेकार फिरते हैं। तू कौन सी डिप्टी कमिश्नर हो जाएगी बाबूजी? आज सुबह सुबह कचहरी की क्या बात हो रही है? अरे तुम्हारी बहन को समझा रहा था, ये सारे पंजाब में अव्वल नंबर पर आई है, पहले इसे मुबारक दो और फिर समझाओ कि शरीफ घरानों की लड़कियों का कॉलेज उनका मैका या ससुराल होता है। बाबूजी ये हमारी बात क्यों मानेगी, आप ही समझाइए ना इसे। अरे मैं तो समझा बाबूजी, बाबूजी क्या नाम, 10 रुपए चाहिए बाबूजी। 10 रुपए? हाँ बाबूजी, उस्ताद ने कहा था कि हफ्ते में 6 दिन सरसों के तेल की मालिश होती है और 7वें दिन में बादाम रोगन की। ओ, 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 ओ,
ये तुम्हारा उस्ताद भी जरूर किसी हकीम की औलाद मालूम होता है जो हिकमत के सब राज जानता है। अरे ये लो तुम 10 रुपए। तुम्हारी सेहत के लिए 10 रुपए तो क्या हकीम राम प्रसाद अपने आप को गिरवी रख सकता है। ये लो 10 रुपए। लेकिन मेरे हीरे पन्ने, इस बात का जरा ध्यान रखो, ऐसा जिस्म बनाओ कि राह चलते लोग रुक कर तुम्हें देखें और कहें कि ये है हकीम राम प्रसाद के साहबजादे हीरा लाल पन्ना लाल पहलवान रुस्त में हिंद। अरे धूप तेज हो गई है, खड़े जाओ जाओ जाओ। अच्छा तो बाबूजी मुझे भी 1 रुपया दे दीजिए। एक रुपया क्या करना है बेटा? अपनी एक सहेली को पास होने की तार देनी है। राम राम राम, इस महंगाई के जमाने में तार क्यों देती हो? 3 पैसे का पोस्ट कार्ड डाल दो ना। ठहरो, ये लो अकन्नी। रहने दीजिए बाबूजी, मैट्रिक का नतीजा तो सब अखबार में छपता है। मेरी सहेली ने शायद पढ़ भी लिया होगा। जरूर पढ़ लिया होगा, खूब मौके पर सूझी है तुम्हें। अब इसे कन्नी में से 5 नए पैसों का मैं साग लाऊंगा, पालक और सारे खानदान को खिलाऊंगा, और वो भी कच्चा। लहला जी पैरी पहना। ओ जिंदे रहो। ओ आओ पहलवानू, क्या अखाड़े से आ रहे हो? आ नहीं रहे लाला, जा रहे हैं। कहाँ घूमे पहलवान के अखाड़े में? लाला हम जैसे पहलवान तो राजा इंद्र के अखाड़े में जाते हैं, क्या समझे? एक सब्ज परी एक लाल परी। लेकिन गुलफाम शहजादे, उस दिन की 2 बोतलों के पैसे तो अभी तक नहीं मिले। लाला हमने भी बड़े बड़े साखी देखे लेकिन तेरा जैसा कंजूस साखी नहीं देखा। पन्ने दे देना पैसे। लेकिन ये मेरे पास कहाँ है? तुम दो ना। अच्छा दिए देता हूँ। लाला 9.25 उस दिन के हिसाब से काट लो और बाकी 12 आने वापस। ये लो 2 बोतलें और बाकी के 12 आने आज के हिसाब में मैं जमा कर लेता हूँ। अच्छा राम 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 राम। Cheers for Sham! Hit it! Hooray! Hit it! Hooray! Hit it! अपना 1 और उनके 11, फिर भी 6-6 गोल से बड़ा। हिप हिप बोले, हिप हिप बोले, हिप हिप बोले, हिप हिप बोले। अपना 1 और उनके 11, फिर भी 6-6 गोल से मारा। हिप हिप बोले। कोई खेल हो कोई गेम हो सबसे आगे हम, हर कमर बांध के आए सामने जिसमें भी हो दम। है कोई चलो, है कोई चलो। अपना 1 और उनके 11, फिर भी 6-6 गोल से मारा। खेल जीतना काम मर्द का, फुल दिल मारे कर राहस लिए जाओ, चूड़ियां पहन के बैठो घर। चलते बनो बनो, चलते बनो बनो। हिप हिप बोले, हिप हिप बोले, हिप हिप बोले, हिप हिप बोले। अपना 1 और उनके 11, फिर भी 6-6 गोल से मारा। हिप हिप बोले, हिप हिप बोले, हिप हिप बोले, हिप हिप बोले।
डैडी आशीर्वाद दीजिए। अच्छा तो एक और कप जीत लाए बेटा। आशीर्वाद तो मैं तुझे उस दिन दूंगा जब तू फर्स्ट डिवीजन में एफए पास करेगा। मैट्रिक भी पास किया तो थर्ड डिवीजन में। क्या डैडी आप तो कभी दाद भी नहीं देते। जरा सोचिए सारे साल बगैर किताबों को हाथ लगाए मैं पास हो गया, क्या ये कम कमाल की बात है डैडी? देख श्याम माना कि तू बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से खाली रहे। छोड़िए जी आप तो हर वक्त बच्चे को डांटते रहते हैं। इतना बड़ा कप जीत कर लाया है एक दफा प्यार से सर पर हाथ भी नहीं फेरा। ये कप तुम अपने पास ही रखो, रोज सुबह सवेरे उठकर इसी में चाय पिया करना। जब कभी लड़के को पढ़ने लिखने के लिए समझाता हूँ तुम अपनी ममता की बांसुरी बजाना शुरू कर देती हो। अच्छा जाने दीजिए इस बात को, अब तो आप रिटायर होकर अमृतसर जा रहे हैं, वहाँ किसी अच्छे से कॉलेज में दाखिल करवा देना, फिर देखना मेरा बच्चा कैसे दिल लगाकर पढ़ता है। डैडी हम लोग अमृतसर कब जा रहे हैं? यही कोई दो चार दिनों में। मैंने अपने दोस्त राम प्रसाद को चिट्ठी भी लिख दी है कि मकान में सफेदी वगैरह करवा के रखे। अरे ओ हीरे की बुआ, हीरे की बुआ बाहर आ, देख कौन आया है। बाहर आ बाहर आ। नमस्ते। अरे पहचाना? अरे अपना रतन है रतन। अरे भैया रतन कितने वर्षों के बाद तुम्हें देखा है, बैठो बैठो। कहो अच्छे तो हो? तुम अपनी सुनाओ बहन। सब भगवान यार है भैया, भाभी को नहीं लाए? मैंने तो आने के लिए कहा था, कहने लगी आज अमावस है, वर्षों के बाद ननंद से आज के दिन नहीं मिलूंगी। सच्ची तो कहा है, धर्म कर्म वाले लोग अच्छे बुरे दिन का ख्याल रखते हैं। अच्छा मैं दूध लाऊं तुम्हारे लिए? ला ला ला। बाबूजी राम ये लड़की कौन है? मेरा ख्याल है। अरे पहचाना नहीं ना, इसीलिए कहता हूँ डाकदार के देसी दवाओं का इस्तेमाल किया कर। आज से तू हरड़ बेड़ा आमला खाना शुरू कर दे ताकि तेरा दिमाग भी तर रहे और याददाश्त भी कायम रहे। अरे भाई कमला है कमला। अरे कमला बिटिया ये तेरे चाचा रतनलाल जी है जिनकी गोद में तू खेला करती थी। जीती रहो भी रहो। उस दिन जब मैंने बार में पढ़ा कि हमारी भतीजी ने पंजाब के 10,000 लड़के लड़कियों को नीचा दिखाया है तो सच मानो बेटा फख्र से मेरा सर ऊंचा हो गया। ऐसा कौन सा कमाल किया है मैंने चाचा जी? हाँ सच तो कहती है बेचारी, अव्वल आए या आखिर, घर तो ससुराल वालों का ही संभालना है। तो क्या कमला ने अभी तक कॉलेज में दाखिला नहीं लिया? देख यार तूने भी कॉलेज का नाम लिया। हाँ भाई खुद तो कॉलेज में डॉक्टरी पढ़कर हजारों आदमियों को शमशान भेज चुके हो, अब अपनी भतीजी को भी गलत रास्ते पर डाल रहे हो। तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा राम। अरे मंदिरों में दिए जला, फकीरों को खैरात बटवा कि तुझ जैसे दकियानुस हकीम के घर में ये रोशनी का मीनार पैदा हुआ है। ऐसी रोशनी तुम्हें मुबारक। मेरे घर में ऐसी रोशनी कहाँ, हमारा नौनिहाल तो 4 साल में एक क्लास पास करता है। देख राम बेवकूफी मत कर, मेरी बात मान, कमला यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई है, इसे जरूर कॉलेज में भेज। देख रतन फिर से इस घर में कॉलेज का नाम लिया तो याद रख तुम्हारी ये टूटनी वूटनी तोड़ कर रख दूंगा। अरे जा जा अरहड़ खाने वाले में इतनी हिम्मत कहाँ। लेकिन ये जरूर है कि 15 बरस पहले जैसा तू ये छोड़ के गया था तू वैसे का वैसा ही रहा। अरे डाकदार आदमी वही जो 15 बरस तो क्या 100 बरस में भी ना बदले। ठीक कहते हो दोस्त, आदमी नंगा पैदा हुआ था इसलिए उसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब कही ना तूने हकीमों वाली बात है। अजी मैंने कहा सूरज सर पे चढ़ाया है, ऐसी भी क्या नींद है, उठिए ना। जानकी की माँ 9 बज गए हैं 9। ओहो 9 रोज़ ही बचते हैं, थोड़ी मेरा दिल चूर चूर हो जाता है, काम काज पर जाने का वक्त हो गया था, सोचा कि दर्शन करके चला जाऊं इसलिए जगा दिया। बहुत अच्छा किया, रात भर तो खास खास कर सोने नहीं देते, पिछले पहर जब जरा सी आंख लगती है तो आपके कामकाज पर जाने का वक्त आ जाता है। बस बस रानी नाराज ना हो। सच बताऊं गुस्से में तो तुम हमें और भी प्यारी लगती हो। जानकी
अरे ओ जानकी, माँ के लिए दूध गर्म किया कि नहीं? लाती हूँ बाबूजी। हाँ हाँ जल्दी ला। रानी, लेकिन क्या करूँ, समाज और बिरादरी का हथौड़ा भी तो सर पर है। आप इस घर की जगह कहीं और होती तो मैं आपको दीदी कहकर पुकारती, आपके साथ खेला करती, लेकिन वो अधिकार तो मेरे बाप ने मुझसे और आपके माँ बाप ने आपसे कब का छीन लिया। काश मेरी माँ मेरी जगह किसी लड़के को जन्म देती तो ना आज मेरा बाप तीसरी बार शादी करता ना आप पर ही जुल्म होता। कमला अंदर आ। अरे तुम्हारी आंखें क्यों भीगी हुई है? मेरा तो वही पुराना रोना है, तू अपनी सुना। तुम तो पहले ही से परेशान हो जानकी, न जाने मैं भी अपने दुखड़ा लेकर इस वक्त कहां से आ गई। क्या चाचा जी अभी तक नहीं माने? छोड़ जानकी, जो होना होगा होकर रहेगा। ऐसा ना कहो कमला, भगवान ने तुझे शक्ति दी है, दिमाग दिया है, फिर तू क्यों मेरी तरह जी ही जी में आंसू पी रही है। मैं तो खैरे कन पर बाप की बेटी ठहरी, न घर में किसी को लिखना पढ़ना आता है न मुझे, लेकिन तू तो अपना अधिकार मांग सकती है। तुझे जुल्म के आगे सर झुकाना नहीं बल्कि उठाना चाहिए। कमला तू अपना अधिकार मांग, और इस तरह मांग कि मेरे जैसी बदकिस्मत लड़कियां तुझे देखकर कम से कम ये तो कह सके कि हम में से भी कोई कुछ बन के निकला। मैं किसी भी कीमत पर कॉलेज में दाखिल होना चाहती हूँ। लेकिन तुम बाप की मर्जी के खिलाफ सर उठाना क्यों चाहती हो? मैट्रिक तो तुम पास कर ही चुकी हो, घर के कामकाज के लिए इतनी तालीम काफी है, और फिर बाप को नाराज करके पढ़ने से क्या फायदा? चाचा जी बचपन से ही मेरे दिल में एक उमंग है, मैं किसी न किसी तरह डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो जो लड़की डॉक्टर नहीं होती उसकी शादी नहीं होती? ये बात नहीं चाचा जी, आपको तो याद होगा कि जब मैं बच्ची थी तो माता जी का स्वर्गवास हो गया था, अगर गांव में कोई लेडी डॉक्टर होती तो शायद वो बच जाती। हाँ हाँ याद है, हमारी भाभी को राम की दवाइयों पर तो विश्वास नहीं था, और वो किसी बेगानी डॉक्टर को नब्ज तक भी नहीं दिखाती थी। चाचा जी माता जी की मौत बचपन से मेरे दिमाग में बैठी हुई है, जब कभी मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरा दिल मुझे मजबूर करता है कि तू डॉक्टर बन, रोगी का रोग दूर करने से बढ़कर इस दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं। चाचा जी मेरी सहायता कीजिए, वजीफा तो मुझे मिलेगा ही, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर कॉलेज चली जाया करूंगी। कमला वैसे तो दोस्त की बेटी भी अपनी ही बेटी होती है, लेकिन अगर तू सचमुच मेरी बेटी होती तो आज मैं फख्र से सर उठाकर कह सकता था कि मेरे घर में सरस्वती ने जन्म लिया है। तो क्या आप बाबूजी को समझाएंगे? उस लकीर के फकीर को मैं तो क्या भगवान भी नहीं समझा सकता। सुनो बेटा। ठीक है चाचा जी। तू घर जा, मैं कल ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगा। सुन तू 5 मिनट पहले ही बात शुरू कर दियो। अच्छा चाचा जी। बाबूजी। क्या है बाबूजी? बाबूजी मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं टेलरिंग कॉलेज में दाखिल हो जाऊँ तो क्या हर्ज है? देख कमला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सामने ये कॉलेज वॉलेज का नाम ना लिया कर। लेकिन बाबूजी मैंने तो सिर्फ टेलरिंग कॉलेज कहा है। क्यों भाई राम प्रसाद, शरबत में पानी मिला रहे हो क्या? डाकदार बैठो, मैं तो शरबत में पानी मिला रहा हूँ मगर ये तुम्हारी भतीजी मेरे जीवन के अमृत में जहर मिला रही है। बस 2 दिन चुप रही अब फिर कॉलेज का भूत सवार हो गया इसके सर पर। चाचा जी कॉलेज नहीं टेलरिंग कॉलेज। अरे काले अक्षर को भय समझने वाले, वो सिलाई के स्कूल में दाखिल होने को कह रही है। सिलाई का स्कूल? तो फिर ये कॉलेज कॉलेज क्या कर रही हो? जी हाँ स्कूल ही है वो है? वहाँ कपड़े सीना कशीदा निकालना वगैरह सिखाया जाता है। अरे तो इसमें तुझे क्या इतराज है, सीना परोना सीख जाएगी तो तेरे कुर्ते पजामे की सिलाई की बचत हो जाएगी। वो तो ठीक है मगर ये बताओ कि वहाँ दर्जी आकर सिखाएंगे? नहीं बाबू जी वहाँ उस्तानियाँ होती है, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियाँ वहाँ सीखनी चाहती है। मगर फीस क्या होगी? अरे यही को 2-4 रुपए महीना और क्या। 2-4 रुपए? रुपए तो ऐसे कह दिए तूने जैसे कि 2-4 आने होते हैं।
अच्छा जिद करती है तो चली जाया कर, तेरी फीस देने के लिए दो चार घंटे ज्यादा बैठ जाया करूंगा दुकान पर, और क्या। बस कर बस कर, हमेशा पैसे पैसे को रोता रहता है। जाओ बेटा जाओ, तुम अंदर जाओ, तुम्हारा काम हो गया। सुनो कमला, लीलावती टेलरिंग कॉलेज की अध्यापिका मेरी मरीज है, उनके पास जाते हुए मेरा खत लेती जाना, शायद तुम्हारी फीस में कुछ रियायत हो जाए। ये बात तूने की कमाल की है। राम, मुझे मालूम होता है कि जब तू पैदा हुआ था ना, तो तेरी दाई ने तेरी मुट्ठी बंद कर दी थी। ये तू सच कहता है भाई, अगर हाथ खुला हो तो रुपया पैसा आता है, अगर हाथ ही बंद हो तो रुपया पैसा कहां से आएगा। कॉलेज तो आज से खुल चुका है, कोई सीट खाली नहीं है, किसी दूसरे कॉलेज में कोशिश करो। लेकिन शहर में इससे अच्छा कॉलेज तो कोई नहीं। तो फिर दाखिले के लिए तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। किसी दूसरे शहर से आई हो? जी नहीं, मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ। सनातन धर्मपुत्री पाठशाला से मैट्रिक पास किया है। अच्छा, तो तुम सनातन धर्मपुत्री पाठशाला की स्टूडेंट हो? उसी स्कूल की एक लड़की तो सारे प्रोविंस में फर्स्ट आई है। जी, वो मैं ही हूँ। तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम कमला है। कमला, सारे प्रोविंस में फर्स्ट आकर तुम्हें कॉलेज में दाखिल होने का ख्याल अब आया? कुछ मजबूरियां ही ऐसी थी। है, ये लो फॉर्म, एज ए स्पेशल केस मैं तुम्हें कॉलेज में दाखिल कर लेता हूँ। तुम्हारी जैसी हो ना लड़की तो किसी भी कॉलेज के लिए बाइसे फखर होगी। जी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, लो साइन कर दो। पिता का नाम और पता? जी, पिता का नाम मिस्टर राम प्रसाद, केयर ऑफ डॉक्टर रतनलाल, हॉल बाजार, अमृतसर। डॉक्टर रतनलाल कौन है? वो मेरे चचा है। समझा, मैं दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं। अब तुम जा सकती हो, कल से कॉलेज आ जाना। थैंक यू सर। हेलो ओगी, अरे क्या हो गया? ये कौन सा पीरियड है टिंकू? हिंदी का पंडित जी पटेल। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये तो जानते ही होंगे कि वो भाषा जिसे हिंदी कहते हैं हमारी मातृभाषा है। और देवी, तुम क्यों खड़ी हो? जी, मेरी सीट पर ये जो बैठे हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी मैं तुमसे कह रहा हूं, वहां क्यों बैठे हो? वो तो कन्याओं का विभाग है। ओह, माफ कीजिएगा पंडित जी, मैं इसे मर्दाना समझ कर बैठ गया था। आप भी माफ कीजिएगा, भूल से बैठे हो ये जानबूझकर। पंडित जी, क्यों कोई जानबूझकर मर्दाना छोड़ जनाने में बैठेगा, आप बताइए मुझे। पहले अपने विभाग में आ जाओ और फिर बात करो। जी हाँ, आप तो तशरीफ रखिए। सिट डाउन। बुक्स, पुस्तकें। विद्यार्थी, क्या नाम है तुम्हारा? जी श्याम सुंदर। बड़े चंचल हो, कल 10 रुपए जुर्माना लेकर आना। कॉलेज का पहला दिन और 10 रुपए जुर्माना? चुपके से बैठ जाओ और कल 20 रुपए जुर्माना लेकर आना। आज तो बुखार नॉर्मल है, डिस्पेंसरी से 2 दिन की दवाई लेते जाना और आराम करना। चाचा जी आओ बेटा आओ। कहो, कॉलेज में दाखिला मिल गया? जी हाँ मिल गया, मगर बड़ी मुश्किल से। चाचा जी, खतों किताबत के लिए पता मैंने आपका लिखवा दिया। तो क्या हुआ, बेटी भी तो हमारी हो। डैडी आओ बेटा आओ। अरे घबरा क्यों गया, जानता नहीं इसे? कमला, ये हमारा शाम है, भूल गया, बचपन में दोनों साथ खेला करते थे। जी हाँ, खेला करते थे ना। चाचा जी, इसे तो अभी अभी कॉलेज में मुलाकात हुई थी। तो क्या तुमने भी सिटी कॉलेज में दाखिला लिया है? जी हाँ। बहुत अच्छा कमला, पढ़ाई लिखाई में शाम बिल्कुल कमजोर है, तुम्हारे साथ रहकर शायद इसकी अकल भी तेज हो जाए। पढ़ाई लिखाई में कमजोर होगा लेकिन और बातों में तो काफी तेज है। हाँ।
और कौन सी बात है? जान पड़ता है आज इसने कॉलेज में कोई गुल खिलाया है। अजी बताती हूँ, आज जब मैं क्लासरूम में गई तो गर्ल्स सेक्शन में एक लड़का बैठा था। डैडी आप तो जानते हैं कि आजकल के लड़के कितने शरीर होते हैं। तुम चुप रहो। हाँ बेटा आगे बताओ। हिंदी का पीरियड था और पंडित जी ने डांट कर उसे वहाँ से उठा दिया और सारी क्लास फंस पड़ी। डैडी ठीक है शाम खामोश। फिर क्या हुआ बेटा? फिर पंडित जी ने उस लड़के से पूछा, बताओ हिंदुस्तान में आजादी की पहली जंग किसने और कहाँ लड़ी थी? तो वो लड़का बोला, कमला भाई और झांसी फेयर में कुरुक्षेत्र के मैदान में। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं डैडी। ठीक है जानता हूँ तुम्हारे और भी बहुत से भाई हैं दुनिया में। आगे क्या हुआ बेटा? फिर चाचा जी पंडित जी ने पहले उसे 10 रुपए जुर्माना किया, फिर 20, फिर 30, फिर 40। अरे वो लड़का कौन था चाचा जी? आप अभी तक नहीं समझे? अरे ओ, तो वो शाम था। डैडी डैडी आप मुझे बेवकूफ जरूर कहते हैं लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं जितना कि आप मुझे समझते हैं। डैडी वो पंडित जी का अपना लड़का था। आप पूछ लीजिए कमला से। क्यों कमला? क्यों बेटी? हाँ चाचा जी। सुन ले डैडी तो इस बात का शाम से कहता लो। जी जी शाम ने फौरन उसका जुर्माना अदा कर दिया। इस बात पर पंडित जी खूब बिगड़े और उनका शाम को भी 10 रुपए जुर्माना कर दिया। शाबाश बेटा शाबाश। सर मुंडाते ही ओले पड़े। देख लो डैडी कैसी दुनिया, एक तो नेकी करो और ऊपर से जूते खाओ। क्या बातें हो रही हैं? अरे बेटी तुम कब आए? काफी देर हो गई है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाबूजी चिंता कर रहे होंगे। नमस्ते चाचा जी। जीती रहो बेटा। तुम्हारा मैदा खराब हो गया है। शराब तो नहीं पीते? जी नहीं। शादी कर रखी है? जी नहीं। तंबाकू का इस्तेमाल करते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैदा खराब नहीं होगा तो क्या होगा? अरे ओ बिहारी इसे एक बोतल सौंफ का रख दे दे और पैसे नगद ले लूं ना। नहीं पर नोट लिखा ले। मूर्ख कहीं का। आवे आओ तुम आओ बैठो। क्या तकलीफ है? हकीम साहब रात को 12 बजे तक नींद नहीं आती। अरे भाई तो 22 स्कोप का आखिरी शो देख लिया कर, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हकीम जी गरीब आदमी हूँ, रोज रोज 22 स्कोप देखने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? सच कहते हो भाई, जिनकी जेब में माल ना आए उनकी आंखों में नींद भी नहीं आती। ओ बिहारी लाल देख भाई ये गरीब आदमी है, इसे आधी बोतल सौंफ का अर्क दे दे। जा भाई। हकीम साहब अच्छी तरह देख के बताइए, क्या हर बीमारी का इलाज सौंफ का अर्क ही हो सकता है? अरे भाई हकीम मैं हूँ या तू? अगर हर बीमारी का इलाज मौत हो सकती है तो सौंफ का अर्क क्यों नहीं हो सकता? जा अर्क ले ले और पैसे दे दे। जा दिन कोई नींद आ रही। बड़ी तेज चल रही है तुम्हारी नबज भाई। क्या खाया तुमने सुबह सुबह? बतख के 4 अंडों का ऑमलेट, 1 शेर भैंस का दूध और 1 टिक्की पोलसन पर लगाकर 1 टोस्ट। राम 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 इतना खाना? अरे तुम्हारे बाप का नाम कहीं गामा पहलवान तो नहीं? अरे शाम तू बदमाश मजाक करता है चाचा से। सुना कैसे आना हुआ? चाचा जी आपसे नुस्खा लेने आया हूँ, आजकल तबीयत बहुत खराब रहती है। अरे भाई डॉक्टरों की औलाद की तबीयत हमेशा ही खराब रहती है। हाँ चाचा जी डैडी ने ये कड़ी दवाइयां पिला पिला कर दिमाग को खुश कर दिया। ऐसी बात है मैं समझ गया। दिखा नबज जरा। पेंचर आयोडीन पीपी का दिमाग कुछ हो गया तेरा है? हाँ मेदे में गर्मी है, आंखों के सामने अंधेरा भी आता होगा और लिखाई पढ़ाई में दिल नहीं लगता होगा। आपकी सब बातें दुरुस्त। अरे बेटा ये डॉक्टरी नहीं है जो बातें गलत होगी। 100 दवाओं की 1 दवाई बताता हूँ तुम्हें मैं। सौंफ का अरक। सौंफ का अरक तो दुनिया के लिए है, तुमसे मुझे कोई कमाई थोड़ी करनी है। देख बेटा कानों से सुन ले और दिल पर लिख ले कि वर्दिश से बढ़कर कोई दवा नहीं है। हर रोज जितनी भी हो सके उठक बैठक किया कर और सर में आमले का तेल लगाया कर। और बिहारी हाँ जी देख आधी शीशी आमले का तेल दे दे इसको, छोटी शीशी है। पैसे नगद ही? अरे देखता नहीं मेरा भतीजा हिसाब में लिख ले। आ बेटा तुम्हें घर ले चलो। उठ 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 उठ। अरे बिहारी दुकान जरा संभाल दे, पे रोकड़ा बोकड़ा लेकर अंदर आ जा तू। आ बेटा चला आ बेटा। अरे ओ कमला की बुआ जल्दी आ बाहर, देख कौन आया। जल्दी आ। कौन आया? देख पहचान भला। पहचान
नहीं बैठाना। अरे सुबह सुबह किसकी पूजा करती है घंटी बजाकर, बस इसका भी वही नाम है, श्याम सुंदर है अपना, डॉक्टर रतन का बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम छोटे से थे जब तुम्हें देखा था मैंने। मैंने भी जब आपको देखा था तो आप भी इतनी सी थी फूफी जी। बड़ा नटखट है, नाम ही ऐसा है। वो कमला कहाँ है? अंदर अभी बुलाते हैं। बुला, 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 कमला आ बेटा, बैठ बैठ। ओ कमला क्या है? कमला बेटिया इधर आ, जानती है ये जी? मैं तो नहीं जानती है। लेकिन चाचा जी मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ओह जवाब नहीं है तुम्हारे हादसे का, 15 बरस के बाद भी कमला को पहचान लिया है। चाचा जी ये 15 बरस के बाद की बात नहीं है, कमला से तो आज सुबह मेरी मुलाकात हुई है। ओह सुबह ही हुई है, कहाँ? बाबू जी तू चुप रहे, तू चुप रहे, बता बेटा कहाँ मुलाकात? बताता हूँ चाचा जी, बताता हूँ, बड़े मजे की बात है। हाँ जल्दी बताना फिर। चाचा जी कमला से मेरी मुलाकात हुई है कॉलेज में, मैं मतलब कॉलेज के बाहर जो सड़क है ना, सड़क पर कॉलेज के बाहर, ये वहाँ क्या कर रही है? बोल बेटा क्या कर रही है? जी हाँ पूरी बात तो सुनिए। हाँ तूने आधी सुना कर मुझे ठंडा कर दिया, पूरी सुना, चल चल। चाचा जी बात ये कि जब आज सुबह मैं कॉलेज जा रहा था मुझे देर हो गई थी, इसलिए चल नहीं बल्कि भाग रहा था कि अचानक घबराहट में कमला से मेरी टक्कर हो गई। टक्कर हो गई फिर क्या हुआ? फिर उस चुप रहा, मैं कहता हूँ मत बोल इसमें। ना आओ देखो ना तो, और मुझे बदतमीज, बेहया, बेशरम एक ही सांस में ना जाने क्या कुछ कह डाला। मैंने तो मैंने खैर हाथ जोड़ कर माफी मांगी, तब फिर उसका गुस्सा ठंडा हुआ और फिर ये वापस कॉलेज चली गई। कॉलेज चली गई फिर वापस? कमला जल्दी बता कौन से कॉलेज में गई थी तू? बाबूजी बोल बोल। चाचा जी कॉलेज का नाम है लीलावती टेलरिंग कॉलेज। टेलरिंग स्कूल को भाई, टेलरिंग स्कूल कॉलेज कह क्या कर, तो तूने मुझे ठंडा ही कर दिया था। कमला यहाँ आओ, यहाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तू तो कहती थी कि मैं इसे जानती हूँ। जानने और पहचानने में फर्क होता है बाबूजी। लेकिन आपने ये बताया नहीं कि आप हैं कौन। अरे ये तुम्हारे चाचा दादर रतनलाल का बेटा है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर नमस्ते। नमस्ते, आप तो पहचान लिया। हाँ हाँ बाबूजी, बहुत साल पहले जब डॉक्टर चाचा यहाँ प्रैक्टिस करते थे उन दिनों एक साथ खेला करते थे चाचा जी। बचपन के बाद मुलाकात हुई भी तो खूब हुई। चाचा जी आपके यहाँ पहली बार आया हूँ, लस्सी नहीं पिलाऊंगा? अरे क्यों नहीं पिलाऊंगा बेटे, तुमसे लस्सी अच्छी है, तू तो मेरे यार के जिगर के टुकड़े हो। ओ कमला की बुआ एक गिलास लस्सी लाओ शाम के लिए, मुरादाबादी और मक्खन डाल लाना। और हाँ मैं दुकान पे जा रहा हूँ, वो कमबख्त बिहारी रोकड़ा लेकर ही नहीं आया। अच्छा बेटा मैं चला। बहुत एक बार एक चूहे की जान एक शेर ने बचाई थी, और जब एक दिन वो शेर जाल में फंस गया तो चूहे ने आकर जाल को कतर डाला। कर भला तो हो भला। हेलो, क्या हो रहा? इंसान के जिस्म की मशीन स्टडी कर रही हूँ। क्या चीज बनाई है भगवान ने? आदमी चीज तो वाकई कमाल की है। अच्छा ये तो बताओ इस मशीन का सबसे अच्छा पुर्जा कौन सा? दिमाग। दिल। दिल क्यों? आदमी में दिमाग नहीं हो तो वो कुछ सोच ही नहीं सकता। आखिर साइंस ने जितनी तरक्की की है वो सब दिमाग ही का नतीजा तो है। लेकिन दुनिया में जितने हंगामे और फसाद होते हैं वो सब हजरत दिमाग के पैदा किए होते हैं। लेकिन दिमाग के बगैर तो इंसान जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं उठा सकता। और अगर इंसान के जिस्म में दिल ना होता तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत भी ना होती। दिल धड़कता है तो उसकी धड़कन के सांस पर मोहब्बत नाचती है, और मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसने इस दुनिया को खूबसूरत बना रखा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये दुनिया साइंसदानों के दिमागों की वजह से इतनी खूबसूरत बनी है। लेकिन इतनी नहीं जितने के दिल की वजह से। साइंटिस्ट एटम बम बना सकता लेकिन दिल वाला
दिल वाला सपने के महल बना। मैंने कौन सा जुल्म ढा रखा है बच्चों पर? हीरा पन्ना दोनों दसवीं जमात में पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए सुबह शाम दूध लगा रखा है और 100 रुपया महीना तो सिर्फ उनकी मालिश का खर्चा है। ओहो हो हो हो, तो क्या सोने के पानी से मालिश होती है? अबे डाकदार तू क्या जाने वाला है ती टिंचर, मालिश के बाद खुराक की जरूरत पड़ती है, पौना शेर बादाम तो दांतों से तोड़कर चबा जाते हैं। हो सकता है, लेकिन ये बता कि कमला के ऊपर तेरा क्या खर्च है? ले दे के उसके सिलाई के स्कूल की फीस है ना। देख दागदार, इधर उधर की बातें मत कर, साफ साफ बोल के तू कहना क्या चाहता है? एक राय दे रहा हूँ, अगर तेरी मोटी अकल में आ जाए तो फिर क्या बात है। अरे मूर्ख, अकल हकीमों की और नकल दागदारों की, बोल क्या राय है तेरी। सुन रहा हूँ, मेरा शाम भी कॉलेज जाता है और तेरी कमला भी सिलाई के स्कूल जाती है। भगवान की दया से तेरा कामकाज भी अच्छा है और मेरी प्रैक्टिस भी ठीक चल रही है, तो क्यों ना हम दोनों मिलजुल कर सांझे में एक तांगा घोड़ा खरीद ले। अच्छा जी, अब इस उम्र में तू मुझे कोचमैन बनाएगा? रतन आज पता लगा है कि तू सठिया आ गया है। क्या मैं नहीं गया हूँ, बल्कि खर्च का नाम के तोते, बच्चों के बाहर आने जाने का कितना आराम हो जाएगा, फिर मेरी तेरी प्रैक्टिस में कितना फर्क पड़ेगा, और फिर तांगा रखने से इज्जत भी तो बढ़ेगी, लोग कहेंगे भाई हकीम राम प्रसाद को टकपूंजी हकीम नहीं है, रईस है, रईस सवारी रखी हुई है। भाई जमाना दिखावे का है, आज 2 रुपए फीस के मिलते हैं तो कल 5 रुपए फीस के मिलेंगे। 5? अब मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊ तेरी बात को, मगर डॉक्टर ये बता के खर्चा कितना होगा? अरे जो खर्चा होगा आधा आधा बांट लेंगे। ना भाई, ये तो लड़ाई झगड़े वाली बात है। मैं ऐसा करते हैं कि तू घोड़ा खरीद ले और मैं तांगा बनवा लेता हूँ। मंजूर है? तो ला हाथ फिर। और देख, अब अगर तू वादे से फिरा तो मैं सारी उम्र तेरे से बात नहीं करूंगा। कमाल है। अबे राय मैंने दी है, फिर वादे से फिरने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तो फिर हो गई बात ना भाई। फंस गया। अबे टियाना कसारे का सौदा। अरे कसारे में तू रहा है, मैं नहीं। जानता है घोड़ा सस्ता मिलता है और तांगा महंगा पड़ेगा। अरे डाकदार, तांगे को खाने पीने के लिए कुछ नहीं चाहिए और घोड़े को 5 सेर दाना चाहिए रोज का, वो कहां से आएगा? तो क्या तू खाने के खर्च में आधा आधा नहीं करेगा? अरे भाई क्यों करूं, घोड़ा तेरा है, घोड़े पे तू खर्च कर, तांगा मेरा है, तांगे पे मैं करूंगा, सीधी सी तो बात है। चल मुझे तेरी खातिर ये भी मंजूर। तो फिर कल ही खरीद लो। जरूर। अज्जा माई, अज्जा मोड़ता मोड़ता अज्जा। अरे जवाब दे डाकदार, तेरा घोड़ा बड़ा सरपट भाग रहा है, कहीं टिंचर का टानिक तो नहीं पिला दिया इसको? है पहला पहला प्यार का इशारा कहो जी देखा है कभी, दिल लुटने का ये नजारा कहो जी देखा है कभी, पहलू में तारा कहो जी देखा है कभी, अपने सीने में दिल हमारा कहो जी देखा है कभी। दिल का काम धड़कना है ये क्यों तो रोज धड़कता है, हाय वो धड़कन जिस दिन शोला प्यार का दिल में धड़कता है, जो बस न चले तो दिल ये कहे ओ हारा मैं हारा मैं हारा। चांद के पहलू में तारा कहो जी देखा है कभी, अपने सीने में दिल हमारा देखा है कभी, पहला पहला प्यार का इशारा कहो जी देखा है कभी, दिल लुटने का ये नजारा कहो जी देखा है कभी। नदिया है
पहला पहला प्यार का इशारा, कहो जी देखा है कभी, दिल लुटने का ये नजारा, कहो जी देखा है कभी। चांद के पहलू में तारा, कहो जी देखा है कभी, अपने सीने में दिल हमारा, कहो जी देखा है कभी। धीरे धीरे बात करो ये शोक हवाएं सुन लेंगी, चमन चमन में कली कली से राज हमारा कह देंगी, करेगा भंवरा सभी से चर्चा हमारा हमारा हमारा। चांद के पहलू में तारा, कहो जी देखा है कभी, अपने सीने में दिल हमारा, कहो जी देखा है कभी। पहला पहला प्यार का इशारा, कहो जी देखा है कभी, दिल लुटने का ये नजारा, कहो जी देखा है कभी। कमला की बुआ, ओ कमला की बुआ। आई भैया। अरे ये क्या लाए? शेरवानी का कपड़ा। ओहो, तुम्हारी अकल को क्या हो गया भैया? क्या हुआ? गर्मियों में ऊनी कपड़ा खरीद लाए? खरीद कर नहीं लाया बहन, मेरे एक मरीज की कपड़े की दुकान है, कमबख्त 1.5 साल से मेरे से दमे का इलाज करवाता रहा है, मगर पैसा देने का नाम तक नहीं लेता। आज मैं भी उसकी दुकान पर पहुंच गया, 2.5 गज कपड़ा उठा कर ले आया। ए कमला, ओ कमला। क्या है बाबूजी? जरा नीचे आ बेटा, नीचे आ। कश्मीरा लाया हूँ खालिस। ले बेटा, ये 2.5 गज कपड़ा है, जरा मेरी शेरवानी सी दे, मैं भी तो देखूं सिलाई के स्कूल में तूने क्या सीखा है। लेकिन बाबूजी, 2.5 गज कपड़े में शेरवानी कैसे बनेगी? तो क्या शेरवानी के लिए तुम्हें पूरा थान चाहिए? अरे स्वीकार तो देख, इसमें से 5-6 गिरा तो इसके जम्पर के लिए बच जाएगा। मगर बाबूजी, अभी तो सर्दियाँ बहुत दूर है, किसी दिन फुर्सत से सी दूंगी। तो क्या आजकल फुर्सत नहीं है तुझे? शायद आमों का बाग लगा रखा है जिसकी सारा दिन रखवाली करती रहती है। परसों तरसों तक ये शेरवानी मुझे मिल जानी चाहिए। अच्छा बाबूजी। मगर जा कहाँ रही है, नाप के बगैर ही शेरवानी सी देगी? बाबूजी, इस वक्त मेरे पास गज नहीं है, कल स्कूल से ले आऊंगी। अरे घर में जो पड़ा है नापने का फीता, मैं अभी लाती हूँ। ला ला ला। लेकिन बाबूजी, आप गर्मियों के दिनों में ये ऊन की शेरवानी सिलवा कर क्या करेंगे? कोठे पर सूखने के लिए रखूंगा, तुम्हें क्या है, बस पहली बार जिंदगी में एक छोटा सा काम का है, उसमें मियाई माई शुरू कर दी है। ले, ले। बाबूजी, जरा सीधे खड़े हो जाइए। तो क्या मैं टेढ़ा खड़ा हूँ? मेरा मतलब है जरा दोनों हाथ सीधे रहे। ऐसे जब आपने कभी वैसे कभी ऐसे। मगर मुहूर्त पहले तो गले का नाप लेते हैं। लेकिन बाबूजी, हमारे स्कूल में पहले बाहू का नाप लेते हैं। हाँ। ओ समझ गया, ताकि दर्दी से आशापाई न हो जाए। चल चल चल। अब जरा हाथ। बस बाबूजी। कहीं वास कोट न मिला देना। अच्छा बाबूजी, 2-3 रोज तक सिला दूंगी, आप शेरवानी देखकर खुश हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा बाबूजी। मगर नाप तो तुमने लिखा ही नहीं, सिएगी क्या? लिखने की क्या जरूरत है बाबूजी, मुझे याद है, मुझे सब याद है। देख कमला, बड़ा कीमती कपड़ा है, सत्यानाश न कर देना। हाँ बाजी। नहीं तो स्कूल से उठा लूंगा याद, और स्कूल वालों पर हर्जाने का दावा कर दूंगा उल्टा। हेलो हेलो। अरे क्या इतनी सर्दी पड़ने वाली भी तुम कंबल समेत चले? हा? कंबल? ये कंबल नहीं, बाबूजी ने शेरवानी सिलने के लिए कपड़ा दिया है। तब तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि शेरवानी तो शेरवानी तुम्हें साथ। देखो ना, नाप मुझे ज़बानी याद है, ये शेरवानी किसी दर्जे से सिलवा दो। मैं शहर में परदेसी आदमी हूँ, मुझे किसी दर्जी वर्जी का एड्रेस मालूम ही नहीं। अच्छा कर लो, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और हिंदुस्तान एक पढ़ी लिखी लड़की से हाथ धो बैठेगा। बाय द वे,
तुम्हें याद है ना कल शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है? होगी, हमें क्या, यहां तो शेरवानी ने खून पी रखा है। अगर मैं शेरवानी सिलवा दूं तो भाई और क्या? मेहरबानी वेहरबानी कुछ नहीं, पहले वादा करो कि तुम पार्टी में आओगी। मैं पार्टी में आऊंगी, लेकिन कल शाम तक शेरवानी जरूर मिल जानी चाहिए। ओके। हम और तुम और ये समा, लवली लवली लवली, छेड़ कोई दास्ता, लवली लवली लवली। हम और तुम और ये समा, लवली लवली लवली, छेड़ कोई दास्ता, लवली लवली लवली। मन में उमंगे उठती तरंगे, ले रही है करवटे, जाने कहां से आज मधुर सी आ रही है आहटे। आजा के शाद है जहां, लवली लवली लवली, छेड़ कोई दास्ता, लवली लवली लवली। हम मालूम ये समा, लवली लवली लवली, छेड़ कोई दास्ता, लवली लवली लवली। रात कराही चांद चला है कि सुबह की खोज में, हम तुम आए आज यहाँ पर कि सुबह की खोज में। उल्फत का है ये कारवां, लवली लवली लवली, छेड़ कोई दास्ता, लवली लवली लवली। हम और ये समा, लवली लवली लवली, छेड़ कोई दास्ता, लवली लवली लवली। अरे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। City College Amritsar, 23rd anniversary. Mr. Ramlal. Yes sir. ये है कॉलेज के एनुअल फंक्शन के दावत नाम जी। रजिस्टर देखकर हर तालिबे इल्म के वालदैन के नाम पोस्ट कर दो। Yes sir. नमस्ते भाभी, क्या हो रहा है? आओ भैया, आज इधर कैसे आना हुआ? पास के मोहल्ले में काम से आया था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। सर कहाँ है? वो तो किसी विजिट पर गए हैं। अरे राम राम राम, आज फिर एक मरीज की जान खतरे में है। भाभी जब से ये डाकदार यहाँ आया है, लकड़ी बेचने वालों और आचार्यों का काम खूब चल निकला है। एक तरह से अच्छा ही है, मुल्क में अनाज सस्ता हो जाएगा। है ये मेल छोट नहीं से करना भैया, मुझे क्या सुनाते हो। पोस्टमैन, ये मिस्टर राम प्रसाद कौन है जी? क्या कहा, मिस्टर राम प्रसाद? अरे भाई मेरा नाम है हकीम राम प्रसाद। ये डाकखाने में नौकरी किसने दी है तुझे आज? जी पहली बार इस पते पर इस नाम का लेटर आया है, इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, जाओ माफ किया फिर।
ये हमारे पते पर आपको किसने खत लिखा? अरे भाभी, हकीम और डाकदार की दोस्ती कोई छुपी हुई चीज नहीं है। लोग तो लोग, गवर्नमेंट को भी हमारी मोहब्बत का पता लग गया है। हाँ। क्यों नहीं, आखिर ये भी तो आप ही का घर है भैया। पता तो फरंगियों की भाषा में लिखा है। खैर कोई बात नहीं, आपके हीरे पन्ने से पढ़ा लेता हूँ। भाभी, डाकदार आए तो उसे बोल देना कि हम फेरा डाल गए हैं, अब उसकी बारी है। राम राम। ये कॉलेज का जमाना, ये हंसना हंसाना, ये बनना बनाना बनाना बनाना, ये दिन जिंदगी के अजब बेबुदी के, ये दिन जिंदगी के अजब बेबुदी के। सवेदे साइकिल की पतारें, गुंतों की और कलियों की तकरारें, सुबह सवेदे साइकिल की पतारें, गुंतों की और कलियों की तकरारें। यही तो है, यही तो है, यही तो प्यारे जीना। ये कॉलेज का जमाना, ये हंसना हंसाना, ये बनना बनाना बनाना बनाना, ये दिन दिल लगी के सहारे जिंदगी के, ये दिन दिल लगी के सहारे जिंदगी के। मैदान में हीरो लड़के, पढ़ने में बेचारों का दिल धड़के, हर खेलों के मैदान में हीरो लड़के, पर पढ़ने में बेचारों का दिल धड़के। जब लड़कियों को लाए पसीना छूटा जाए, जब लड़कियों को लाए पसीना छूटा जाए, कहाँ तो जी कहाँ से हीरो आए। कॉलेज का जमाना, ये हंसना हंसाना, ये बनना बनाना बनाना बनाना, ये दिन जिंदगी के सहारे जिंदगी के, ये दिन जिंदगी के सहारे जिंदगी के। कमान मेरा नहीं, आजकल की लड़कियों का हो गया है, जिनको कॉलेज की हवा लग गई है। तुम जरा कपड़े बदलो, मैं भी आता हूँ। राम प्रसाद जी, हमारी बात सुनिए। आप भी आराम से बैठिए। कमला, ओ कमला, काम कमला का भाई, अपनी बात सुनिए। कमला आती होगी उसमें। अरे कमला, उसका कोई दोष नहीं इसमें। दादाजी, बाबूजी की बच्ची, चल चल कॉलेज की हवा।
कॉलेज की हवा। मुझे तुझसे जांच लेने की जरूरत है। अगर तू मूर्ख है, तेरी आंखों पर अंधकार का पर्दा पड़ गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तेरी औलाद भी रोशनी का मुंह न देख सके। क्या कहा, मैं मूर्ख हूँ और तू सयाना है? एक ही घूंसे से तेरी सारी अकलमंदी बाहर ना निकाल दो तो कहना माँ का दूध नहीं पिया। राम रोशनी है या नहीं? ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो राजा रतन लाल है। अरे रतन नहीं, कोयला है कोयला। इसने और इसके बेटे ने साथ बात करके मेरी पगड़ी उछाली है। बाबूजी आप पीछे हट जाइए, मैं समझ लूंगा इस डॉक्टर को। क्या हीरा भैया, इससे तक अकेले निपट लूंगा मैं। अरे तुम क्या कह रहे हो हकीम साहब, ये उम्र भर की दोस्ती का तमाशा ये सारी दुनिया को क्यों दिखा रहे हैं आप? इतनी अकल होती इसमें तो क्या आज ये मेरी गर्दन पे हाथ डालता? अरे तू गर्दन की कहता है, मैं तेरी अंतड़ियां निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। कमीने, तूने उस थाली में छेद किया है जिसमें तू खाता रहा है। तूने जानबूझकर मेरी लड़की को गलत रास्ते पर लगाया है। 2 बरस वो मेरी आंखों में धूल झोंक कर पराए लड़कों के साथ बैठकर कॉलेज में पढ़ती रही। ये सब तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से। राम, तुझे जो बुरा भला कहना है मुझे कह ले। गली मोहल्ले वालों को बता दे कि हमारी दोस्ती रेत का महल था जिसे हवा के एक झोंके ने गिरा कर रख दिया। लेकिन याद रख, अगर तूने उस बेजवान लड़की को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तेरे पास हीरे पन्ने जरूर हैं, लेकिन याद रख, तेरे घर की असली शोभा वही देवी है। अरे जानता हूँ कि वो देवी है, इसीलिए उस देवी की समाज उस अंधेरी कोठरी में बनाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है बहन? तू भी देख ले, अच्छी तरह देख ले कि रतन ने सारी उम्र के प्यार का ये सिला दिया है। बुजुर्गों ने सच कहा है कि लंका घर का भेदी ढाता है। रतन, तूने मेरी कमला की जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरी लड़की को मेरी नजरों से गिरा दिया है। याद रख, सारी उम्र तेरे लड़के का भी कभी भला नहीं होगा। जान ले जा अपना घोड़ा, आज से ना मैं तेरा दोस्त हूँ ना तू मेरा, आज से बल्कि मैं तेरे खून का प्यासा हूँ, खून का। अगर तू मेरे खून का इतना ही प्यासा है तो देखता क्या है, फेंक दे दोस्त के गले पर छुरी और बुझा ले अपनी प्यास। इतने वफादार होते तो मुझसे ये दगा ना करते। अब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? ले लो अपना घोड़ा। बड़ा दोस्ती का दम पड़ता है कम ना कहीं का। लो खोल दिया, ले जाओ इसे घर। बड़ा दोस्त बना फिरता है, चलो थोड़ा अंदर चलो। आप लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? चलो अपना काम करो, बस बड़े आए तमाशा देखने। चल चले यहां से। तू तो हैवान है, इंसान को क्यों शर्मिंदा करता है? चल चले यहां से। जल्दी मेरा बिस्तर तैयार कर, आज शाम की गाड़ी से मुझे हरिपुर जाने का है। हरिपुर? क्या काम है हरिपुर? अरे काम क्या होगा, इस कॉलेज की हवा को भी गले से उतारना या नहीं उतारना। देवी दयाल ने अपने लड़के के बारे में कई बार मुझसे कहा मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब तो इज्जत का सवाल है, अगर हफ्ते दो हफ्ते में इसका ब्याह ना किया गया तो ये चिड़िया पर लगाकर कहीं उड़ जाएगी। तुम सच कहते हो भैया, लड़कियां माँ बाप की नाक होती हैं। तुम किसी भी तरह से रिश्ता पक्का ही करके आना, मैं भी तुम्हारा सामान बांधती। जल्दी करो जल्दी करो। हाँ। जाओ और कंबल नया डालना जरा उसमें है। अच्छा। हाँ। ये आपकी बेटी है? हटा जी, आप तो बड़ा हराम खोर है जी। ये तो मेरी धर्म पत्नी है। माफी चाहता हूँ जी, माफी चाहता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं हरिपुर जा रहा हूँ जी। हरिपुर तो मैं भी जा रहा हूँ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने। तब तो बराबर के साथ रहेगा जी, मेरा ससुराल भी उधर ही है जी। आप हरिपुर में जी कौन से घराने में शादी कर रहे हैं जी? वो लाला देवी दयाल जी को तो आप जानते ही हैं। देवी दयाल जी? देवी दयाल को कौन नहीं जानता जी, वो उस गली में रहते हैं जी। क्या नाम है? वो पीपल वाले चौक में बहुत बड़े व्यापारी हैं। हाँ जी, पीपल वाले चौक में बहुत बड़े व्यापारी हैं जी, वो तो शहर की नाक है जी। सौभाग्यवती तेरा भला हो,
संपियों के गांव में पांव रखने से पहले ही छींक मार दी। मैंने कहा जी, ये शगन तो बुरा है जी, आप मेरी बात मानिए, आप इधर थोड़ी देर इंतजार कीजिए, देवीदाल के मोहल्ले के पास ही अपना भी मोहल्ला है जी, मैं टांगा लेके आता हूँ, आप हमारे साथ हमारे टांगे में चलिए जी। भगवान आपका भला करे, सुबह सवेरे मेरी चवन्नी बजा दी थी। मेरी धर्मपत्नी का ख्याल रखिएगा जी, एकलौती बाप की एकलौती बेटी मेरी एकलौती बीवी है जी, मेरे एकलौते बच्चे की एकलौती माँ है जी, ख्याल रखिएगा। जल्दी आना। फिर ठीक लाला जी, एक छींक तो मनुष्य होती है, दो छींकें तो नेक होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो उधर बैठकर तुम्हारे पति देव का इंतजार करते हैं। बड़े इकलौते लगा रही हो। चुप हो जा बेटे। अरे बेटा, ये बच्चा रो रहा है, इसे भूख लगी है, यहाँ बैठ जा और इसे दूध पिला। चल, दूध कहाँ से पिलाऊं, पैसे तो उनके पास है। इस नन्हे से बच्चे को बाजार का दूध पिलाती हो? क्या करूं, घर में गाय भैंस नहीं है। मैं मतलब नहीं समझी इसको। जी मैं सब समझ गई, ये बच्चा मेरा अपना नहीं है, उनकी बहन का बच्चा है, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं, इसलिए इसे गोद ले रखा है। अच्छी बात है, समझ गया मैं भी, अब चलता हूँ। जरा सुनिए तो, वो अभी आते होंगे, मैं अकेली यहाँ पे क्या करूँगी। घबराने बैठिए तो। घबराने की कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करके शाम की गाड़ी से वापस जाना है, ये आवाज स्टेशन है, जंगल थोड़ा है, तुम बैठ जाओ, वो आ जाएगा। बात तो सुनिए, छुट्टा डवन्नी देते जाइए ताकि बच्चे को दूध पिला दूं, बहुत रो रहा है। बेटी मेरे पास दमन्नी तो नहीं है, सिर्फ 10 का नोट है, इस छोटे से स्टेशन पर रुपए का छुट्टा नहीं मिलता तो 10 का कहाँ मिलेगा। जरा ठहरिए, बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता, इसके पेट में खराबी है, जरा पेट तो देखते जाइए। चुप हो जा बेटा। अरे सब खैर मेहर है, पेट तो रूई के सहाने की तरह नरम है, अपने श्रीमान के आते इसको दूध पिला दो, ये चुप हो जाएगा। पिला दो, मेरा अकेले में दिल धक धक करता है, जरा बैठिए ना। तुम्हारा दिल धक धक करता है तो मैं क्या करूँ, गाजर का मुरब्बा चांदी का वर्क लगा कर खा जाओ, मैं यहाँ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आया, तुम्हारी रखवाली के लिए नहीं आया। हाय हाय, पकड़ो, चो चो बुड्ढे को पकड़ो, मुझे अकेली देखकर मेरे 10 का नोट ले भागा। अरे छोड़ मेरा हाथ, क्या करता है, इसकी बात का यकीन कर तू है? मेरा पगड़ी तो ऐसी बांध रखी हो जैसे किसी कमेटी का मेंबर हो, निकाल मेरा 10 का नोट। कौन सा तेरा 10 का नोट? वही जो जेब में दबा रखा है। वो तेरे बाप का नोट है, जेब में दबा रखा है। लाला जी, इस उम्र में खीसा काट के शर्म नहीं आई? बिचारी को 10 का नोट। अरे क्या दे दो लगा रखी है, इसके खानदान ने भी कभी 10 का नोट देखा है? ये सुसरी बच्चे को दूध पिलाने के लिए दमन्नी मुझसे उधार मांग रही थी, इसके पास कहाँ से आ गया 10 का नोट? तुम भाइयों मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ये 10 रुपए तो इसके बाप की महीने भर की कमाई थी। हवलदार साहब, इसने मेरा 10 का नोट चुराया है, उसकी जेब में, वो तो मेरा खुद का है। हाय मैं लुट गई, अब मैं ससुराल कैसे जाऊंगी? लाला जी आप हमारे साथ थाने चलिए। देखिए हवालदार साहब, सूरत देखकर बात कीजिए, मैं अमृतसर का नामी हकीम हूँ, दारोगा जेल से लेकर कप्तान पुलिस तक मुझसे इलाज करवा। ठीक है लाला जी, जो कोई बयान देना इंस्पेक्टर साहब के सामने चल कर दीजिए। चलिए हमारे साथ चलिए। सच कहती थी मेरी माँ, बेटी तेरा स्वर्ग नर्क सब तेरे पति के चरणों में है, उन्हें छोड़ के एक पल भी अलग नहीं रहना। श्रीमान जी, लड़के का क्या नाम बताया? जी गंगा जमुना प्रसाद। गंगा जमुना प्रसाद, ये एक ही लड़के का नाम है या दो का? जी नहीं, इसी का नाम है। मेरी धर्म पत्नी कुंभ के मेले पर इलाहाबाद गई थी, वहीं इसका जन्म हुआ। समझा समझा, इलाहाबाद में गंगा जमुना का संगम है, इसलिए ये नाम रखा गया है। जी हाँ जी हाँ। तो देवी दयाल जी, चिरंजीव की कुंडली तो लाखों में एक है, तुला राशि कन्या का लगन, इस संबंध से गंगा जमुना प्रसाद जी की तो 1 2 3 4 शादियां लिखी हैं। 4 शादियां? इसीलिए तो कहा कि बड़ी भाग्यवान कुंडली है, गंगा जमुना प्रसाद की पहली पत्नी 1 बरस जिएगी, दूसरी पत्नी 17 बरस जिएगी, तीसरी पत्नी 1 महीना जिएगी और चौथी पत्नी जीवन भर जिएगी, लेकिन इसका एक उपाय भी है। तो बताइए ना स्वामी जी। बहुत ही साधारण उपाय है माई जी,
गंगा जमुना प्रसाद की पहली शादी आप चमेली के बूटे से कीजिए, एक बरस में वो बूटा सूख जाएगा। दूसरी शादी इमली के पेड़ से कीजिए, सवा बरस के बाद वो पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा। तीसरी शादी आप अनार कली से, यानी कि अनार की कली से कीजिए, एक महीने के बाद वो कली भी पेड़ से झड़ जाएगी। और चौथी शादी कहीं भी कीजिए, जीवन भर पति पत्नी गृहस्थी का सुख भोगेंगे। यानी कि मैं दो बरस और चार महीने कवारा ही रहूंगा। अपना बुरा भला सोच ले बालक, अगर शादी की इतनी ही जल्दी है तो सौ बरस में तीन बार शमशान जाना पड़ेगा। जा माई, अंदर जाकर एक मुट्ठी आटा तो ले आ, अपने आश्रम का समय हो गया। अभी लाई स्वामी जी। और देखो श्रीमान, शादी जब कभी भी हो तो इलाहाबाद से गया की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि लड़के की जन्म पत्री के अनुसार उस दिशा का फल है। सत्य वचन महाराज। बम बम भोले। ये लीजिए स्वामी जी। चरंजीव रहो माई, चरंजीव रहो, चरंजीव रहो। और याद रहे श्रीमान, जिस लड़की से गंगा जमुना प्रसाद की शादी हो उसका नाम का और माँ से नहीं शुरू होना चाहिए, जैसे कि का से कमलेश, कमला, कामनी इत्यादि, और माँ से मधुरी, माला, मधु। ध्यान रहे। जो आज्ञा महाराज। अलख निरंजन। बम बम भोले। बीबी, तेरा कोई गवाह है जिसने लाला को तेरा 10 रुपए का नोट छीनते देखा हो? हाँ सरकार है। कौन है? सरकार, बस यही बच्चा है, बोलता नहीं वरना बता देता। चोर का गवाह डड्डू। ऐसी गवाही यहाँ नहीं चलेगी। बीबी तुम लोग आपस में फैसला कर लो, प्रदेश में झगड़ा अच्छा नहीं। अच्छा सरकार, आपका हुक्म है तो मान लेती हूँ। ठीक है, तुम लोग अब जा सकते हो। नमस्ते जी। ऐसा लड़की का रिश्ता करने और ये बला गले पड़ गए। तेरा सत्यानाश जाए। चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। लाला देवी दयाल जी, लाला देवी दयाल जी। ओ लाला राम प्रसाद जी, आइए आइए, धंगे भागा मारे। आज आप कहाँ से पधारे? अरे भाई, सीधा अमृतसर से आ रहा हूँ, वाया पुलिस स्टेशन। नमस्ते बहन जी, आप कहाँ खरीदे थे? तो है भगवान की दया है, आप अपनी सुनाइए। शुक्र है मालिका बहन जी, बस एक ही चिंता है, सो आज आपके दरवाजे पर आया हूँ उसे दूर करने के लिए। ऐसी क्या बात है लाला जी? आपने अभी अपने लड़के की मंगनी वगैरह तो नहीं की ना? नहीं तो? तो शुक्र है भगवान का, अब मेरे सर से बोझ उतरा। लाला जी, मैं अपनी लड़की के लिए आपके लड़के का हाथ मांगने आया हूँ। आपने कई बार रिश्ते के लिए लिखा, लेकिन उस वक्त लड़की स्कूल में पढ़ रही थी, अब उसने 10वीं जमात पास कर ली है। भाई राम प्रसाद, तुम्हारे जैसे शरीफ घराने की लड़की हमारे घराने में आए, इससे बढ़ के हमारे लिए इज्जत की बात कौन सी हो सकती है? मगर लड़के की शादी 2.5 बरस के बाद होगी। क्यों भाई, लड़का अभी नाबालिग है क्या? ना ना ना, नाबालिग तो नहीं है, भगवान की कृपा से 25 बरस का हो चुका है, लेकिन उसकी कुंडली में शादी का फल 27.5 की आयु से पड़ता है। छोड़ो लाला जी, कुंडली भी कोई दरख्त है जिसमें फल पड़ेगा? भैया, आज ही एक साधु महाराज ने बताया है कि लड़के की पहली बीवी 1 साल से ज्यादा नहीं जिएगी। इस बात की चिंता आप क्यों करते हैं, लड़की मरेगी ना। आज मैं कमला का शगुन देकर ही जाऊंगा। क्या नाम बताया लड़की का? कमला। कमला? अरे भैया, ये तो और भी जुल्म हुआ। कुंडली में लिखा है कि लड़की का नाम का या माँ से नहीं होना चाहिए। अरे बहन, कमला ना सही, नाम कमला रख देंगे, नाम में क्या है, जब ससुराल आएगी नाम बदल देना। मगर लाला जी, कुंडली में ये भी लिखा है कि लड़के की शादी इलाहाबाद से आगे गया की तरफ होनी चाहिए। देवी दयाल जी, ये तो और भी अच्छा हो गया, मैं लड़की को लेकर बनारस चला जाऊंगा, कन्यादान भी हो जाएगा और तीर्थ यात्रा भी। नहीं राम प्रसाद भाई, धर्म कर्म का ख्याल रखना ही चाहिए, किसी भी सूरत से कमला का योग हमारे लड़के से नहीं मिलता, फिर हमेशा के लिए दिल में वहम क्यों? अगर आप कहें तो कमला के लिए और कोई अच्छा सा वर ढूंढ देता हूँ। देखो देवी दयाल, मैं तुम्हारे घर आया हूँ, कोई डाकखाने नहीं जो दूसरों के पते पूछता फिरूं। नहीं भैया,
जानबूझ के धर्म के खिलाफ चलना ठीक नहीं। प्यास लगी होगी, पानी लाऊं? पानी? अरे बहन जी, अगर पानी पीना है तो स्टेशन के नल पर जाकर पी लूंगा। देवी दयाल, सोच लो, झूठे वहमों में पड़कर इतना अच्छा रिश्ता नहीं ठुकराना। नहीं भाई, जो काम नहीं हो सकता उसके लिए हाँ कैसे कर दूं? तो फिर बिठाए रखो अपने बेटे को 2.5 बरस घर में, जब बाल सफेद हो जाएंगे तब घोड़े पर चढ़ाना है। साधु महाराज, वो ससुराल साधु खुद कुंवारा होगा इसलिए गुस्सा निकाल रहा है दूसरों पर। साधु आ गए भैया। हाँ। कहो बातचीत पक्की हो गई? बहन, बातचीत पक्की हो गई होती तो मेरे मुंह पर 12:45 बजे होते। कुछ अभागने ऐसी होती हैं बहन, जिनकी जन्म पत्री में लिखा होता है कि माँ बाप को भी दुखी रखना और खुद भी दुखी रहना। तुम्हें तो अच्छी तरह याद होगा कि ये कमला अमावस की रात को पैदा हुई थी। लेकिन देवी दयाल ने क्या कहा? उसने क्या कहना है, चल अंदर चल, बताता हूँ। चल चल चल, खत्म हो गए। क्या हो गया बताओ, बताओ क्या हुआ? डॉक्टर का बेटा शम पाइप पकड़ कर कमला के कमरे की तरफ चल रहा है। बहुत जल्दी चलिए, तुम तो कमरे के अंदर भी घुस गया होगा। चलो चलो, क्या कर रहे हो? कमला, कमला, शाम, शाम, किसने देख लिया तू? कमला जी, कमला, चलो जी। बेगैरत बाप के बेशरम बेटे यहाँ क्या करने आया है? चाचा जी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए तो मैं गिरता हूँ। अरे तू जहन्नुम में जा, मुझे ये बता कि तुझे यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? तुम दोनों बाप बेटे हाथ धोकर मेरी इज्जत के पीछे क्यों पड़े हो? इस वहम में न रहना कि मैं कमजोर हूँ। मेरा नाम राम प्रसाद है, मैं इसका जवाब पत्थर से दूंगा। बाबूजी, बाबूजी, शाम यही मुझसे मिलने आया था। या तो हाथ छोड़ दीजिए या ऊपर बुला लीजिए। ऊपर बुला। अरे रो रही क्यों है? शुक्र कर कि मेरी खिड़की के नीचे आज दुश्मन का खून बह रहा है। इरे पन्ने, शाम को घी के चिराग जलाओ, आज मेरे दिल को ठंडक पहुंची है। खिड़की बंद करो। हाय राम, ये सब क्या हो गया? होना क्या था, राम प्रसाद का खून सफेद हो गया है। पहले यार से झगड़ा कर बैठा, उसके बाद घोड़ा तांगा अलग करके उम्र भर की दोस्ती पर पानी फेर बैठा, लेकिन अब उसने मेरे बच्चे की जान पर हाथ डाला है। डैडी, उससे मैं चाचा से ये भूल हो गई है, वरना मैं जानता हूँ कि उनका दिल अच्छा है। तुम नहीं जानते श्याम, बेवकूफ दोस्त से अकमन दुश्मन अच्छा। बेवकूफी की आड़ लेकर यार का घर बर्बाद कर बैठे, ये भी कोई दोस्ती है? उसने मेरी पगड़ी उछाली, मैंने उफ तक न की। उसने मेरी शराफत को गाली दी, मैं सर झुकाकर सुनता रहा। आखिर मैं भी इंसान हूँ, देवता नहीं कि अपने बच्चे के जख्मों को देखकर मुस्कुराऊं। अब इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं कि उसकी दोस्ती खातिर मैं अपना ही शहर छोड़कर परदेश चला जाऊं। ओहो, अब सच? तुम मुझे विदा करने आएगी ना? लेकिन लेकिन आने कौन देगा? तो इस बात की चिंता न कर, मैंने चाचा जी से मिन्नत समाजित करके इजाजत ले ली है। देख, ना आई तो उम्र भर का गिला रह जाएगा। तेरे बगैर अगर मेरी टोली उठी तो समझ लेना कि मैं नामुराद जा रही हूँ। ऐसी बात मुंह से निकल जाएगी, मैं जरूर आऊंगी, अपने हाथों से श्रृंगार करूंगी, विदा के गीत गाऊंगी। कमला, बाबुन हम तोरे अंगना के टेरिया, दो दिन यहाँ सो जिन घर पर आए। बाबुन हम तोरे अंगना के टेरिया, दो दिन यहाँ सो जिन घर पर आए। बाबुन हम तोरे बचपन बीता तेरे प्यार की खाम में,
जमीन से धन है भराया, कब तक तू भी हमें घर पे बिठाए। बाबुल हम चोरे अंगना की चिड़िया, हाथ पकड़ के मेरा पूछी वो बुढ़िया, बोली चली है कहाँ अखियाँ चुराए। बाबुल हम चोरे अंगना की चिड़िया, चले ही मुझे दूर कहीं, अब चार कहार मेरी डोलिया उठाए। बाबुल हम चोरे अंगना की चिड़िया, बारात आ गई है, दूल्हा देखे। जानकी के लिए बुड्ढा ढूंढा बिचारी जानकी। जानकी, तुझे पता नहीं था कि तेरा हाथ किसके हाथ में दिया जा रहा है? सब कुछ पता था कमला, तो फिर उस दिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम बता भी देती तो क्या हो जाता, तू तो खुद काल कोठरी में पड़ी होती, कैदी कैदी की क्या मदद करता। जानकी जानकी, अगर तू चाहे तो अब भी कुछ हो सकते है। नहीं कमला, मैं बाबूजी की इज्जत के साथ नहीं खेलूंगी। जो कुछ मेरी तकदीर में था मुझे मिल गया, तो क्या चुपके से ये उम्र भर का रोग स्वीकार कर लेगी? स्वीकार कर चुकी हूँ कमबख्त, कम से कम थोड़ी सी फरियाद तो करती। जीते जी मेरे मुंह से फरियाद नहीं निकलेगी तो तेरी सारी नसीहतें मेरे ही लिए थी। मुझे तो सदा बेइंसाफी के खिलाफ सर उठाने को कहती है और खुद जुल्म सही जा रही हो। मेरी शादी होने नहीं थी, फिर ये जुल्म अपने आप खत्म हो जाएंगे। सुन कमला, आज मैं तुझसे विदा हो रही हूँ, इस आंगन से विदा हो रही हूँ। कौन जाने आज के बाद फिर हम कब मिले। बस मेरी एक बात याद रखना, तुझ पर कभी कोई मुसीबत टूटे, तुझसे कोई अन्याय हो तो बेबस पंछी की तरह फड़फड़ा के घायल न होना, उड़ जाना इस पिंजरे से, उड़ जाना। मैं जानती हूँ हमारी समाज का पिंजरा लोहे का नहीं फौलाद का बना हुआ, लेकिन औरत का कोमल दिल भी अगर कुछ ठान ले तो फौलाद मन बन सकता है। कमला, बोल कमला।
कमला, जानकी को जल्दी से लेकर वेदी पर आ जा, फेरों का वक्त हो गया है। क्या हुआ तुझे? की नजरों में ना सही, लेकिन भगवान की नजरों में तो आप ही उसके खूनी हैं। जानकी ने आत्महत्या की आपके अत्याचार से तंग आकर। जो जुल्म मेरे माँ बाप ने मुझ पर किया, वही आपने जानकी के साथ करना चाहा। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने माँ बाप का हुक्म मानकर ये उम्र भर की सजा स्वीकार कर ली, लेकिन जानकी इन बंधनों से आजाद हो गई। सोचिए, अगर जानकी की जगह आपका कोई लड़का होता तो क्या आप उसकी शादी किसी अधेड़ उम्र की औरत से करते? भैया, कमला के बिस्तर पर चिट्ठी मिली, देखो तो क्या लिखा है। भगवान, दुख रखना। पूज्य पिताजी, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ। बहुत दिनों से अंदर ही अंदर एक आग सुलग रही थी, जो आज शोला बनकर भड़की है। शायद जानकी की चिता की चिंगारियों ने इस राग को आग बना दिया है। मैंने ज्ञान और विद्या के लिए जितनी बार भी आपके सामने झोली फैलाई, आपने निहायत बेदर्दी से मुझे ठुकरा दिया। मैं विद्या के चश्मे की तलाश में जा रही हूँ, उस भिक्षु की तरह जो घर छोड़कर जंगल जंगल निर्वाण खोजता फिरता है। पिताजी, मैंने बगावत की है, आपसे नहीं, अपने घर बार से नहीं, अपने भाइयों से नहीं, बल्कि उस समाज के खिलाफ जो लड़कियों को उनका हक नहीं देता, लड़कियों को पराया धन कहता है। लड़की का जन्म होते ही घर में एक उदासी सी छा जाती है और लड़का पैदा होने पर शहनाइयां बजती हैं। पिताजी, जब तक ये खत आपके हाथ में होगा, मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी होगी, लेकिन जाते जाते आपको ये वचन दे रही हूँ कि मैं जहां भी होंगी कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपकी इज्जत में फर्क पड़े। भगवान ने चाहा तो एक दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया है, उस पर कलंक नहीं लगाया। आपके चरण छूती हूँ, मुझे गलत नहीं समझिए, आपकी बेटी कमला। हाय राम, ये क्या किया कमला ने, पुरखों का नाम मिट्टी में मिला दिया। भैया, पैदा होते ही मैंने उसका गला क्यों ना घोट दिया। ये मेरी मूर्खता थी जो मैंने उसको स्कूल भेजा। मैं नहीं जानता था कि बड़ी होकर वो इतनी आपत निकलेगी। वो हीरा पन्ना भी तो अखाड़े से नहीं आया, कोई डाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा है। किस मुंह से पुलिस में जाओगे भैया? अगर दुनिया को पता चल गया तो हमारे घर का कोई पानी भी नहीं पिएगा, तुम्हारे हाथ से कोई दवा भी नहीं लेगा। तो फिर मैं क्या करूँ बहन, कहाँ से ढूंढ कर लाऊं उस कलबुई को? अरे, वो मिलने वाली होती तो इस तरह घर छोड़कर जाती भैया। मुझे बर्बाद कर गई, बेड़ा गर्क कर गई ये घर का। मैं
आहिस्ता बोलो आहिस्ता, अगर मोहल्ले वालों ने सुन लिया तो हीरा पन्ना सारी उम्र कुंवारे बैठे रहेंगे। भला जिस घर की लड़की भाग गई हो उस घर में अपनी बेटी कौन देगा, बोलो। तू सच कहती है, तू सच कहती है, वो तो गई सो गई, हीरे पन्ने की जिंदगी को बर्बाद हो। देख बहन, तू जल्दी से हीरे पन्ने की शादी का बंदोबस्त कर, तब तक मैं कमला के बारे में अपनी जबान सी कर रखूंगा। तुमसे भी कोई पूछे तो यही कहूंगा मैं दिल्ली अपनी मौसी के आई। ठीक कहते हो भैया, मैं आज ही दोनों का रिश्ता पक्का करती हूँ। अच्छा। तुम चिंता न करो बेटी, आराम से सो जा, रात भर भी तेरी आंख नहीं लगी है। जी सो तो नहीं रही थी, यूं ही झूम आ गई थी। ससुराल जा रही मैं के इन दोनों में से किसी जगह भी नहीं जा रही हूँ। हाय राम, इन दोनों जगह के अलावा स्त्री के लिए और कौन ठिकाना है। बेसहारा हूँ माँ, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। ओह, फिर जब मैं बड़ी हुई तो पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर छोड़ना पड़ा। छी छी छी, जवान लड़की ब्याहने को घर में है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। किस मूर्ख ने तेरे पिताजी के साथ शादी की, कौन है वो। पिताजी पुराने विचार के आदमी हैं और वो बुढ़िया जिससे उन्होंने शादी कर रखी है उसका नाम है अंधकार। जैसा नाम वैसे करो। अच्छा बेटी, तुम कुछ पढ़ी लिखी हो। जी मैं इंटर पास हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे बच्चों को पढ़ा दिया करोगी। हमारे नन्हे नन्हे दो बच्चे हैं, जरा लाड प्यार के पिटे हुए हैं। तनख्वाह तो हम ज्यादा नहीं दे सकेंगे, लेकिन दो वक्त की रोटी कपड़ा और जेब खर्च दे दिया करेंगे। मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन मेरे रहने का क्या इंतजाम होगा। तुम हमारे साथ रहो ना बेटे, लखनऊ में हमारा अच्छा खासा बड़ा सा मकान है। कहो बेटी, तुम हमारे साथ रहोगी ना। ऐसी क्यों नहीं, मुझे भी तो किसी तरह जीवन के दिन काटने हैं। यह है तुम्हारा कमरा, अच्छा है ना। बहुत अच्छा है। माँ, माँ, आ गई तुम। आओ बेटे, तुम्हें तुम्हारी उस्तानी से मिला दूँ। कमला, यह है मेरी बड़ी बच्ची मंजू और यह छोटा मोहन। नमस्ते करो बेटा दीदी। नमस्ते। जितने प्यारे नाम है उतने ही प्यारे बच्चे भी हैं। अच्छा, अब तुम अपनी चीजें संभाल कर रखो और आराम करो। चलो बेटा। जिंदगी चांद सी और नमस्ते। मैंने कहा ये कमरा आपने किराए पर लिया है। आप कौन है। जी मैं भी किराएदार हूँ, ऊपर रहता हूँ। अच्छा हुआ आप आ गई, पड़ोस आबाद हो गया। और कौन कौन है आपके साथ। अभी तो मैं ही आई हूँ, बाकी लोग कल की गाड़ी से आ रहे हैं। देखिए, किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लीजिएगा, चूल्हा बर्तन राशन सब कुछ मिलेगा। शुक्रिया। बधाई हो कहना, हीरा पन्ना जैसे मेरे और जो तुम सब के हैं। काम तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन बेचारी कमला ना भाइयों की गोलियां गा सकी ना भाभियों का स्वागत कर सकी। कम से कम आज तो आ जाती। चाची, कमला को मैंने वापसी का टिकट कटा कर दिया था, मगर आज ही उस सुबह उसका तार आ गया है कि उसकी नानी की तबीयत बड़ी खराब है, वो मरने वाली है। अब तुम बताओ कि ऐसी हालत में उसको छोड़कर यहाँ कैसे चली आए। भैया राम प्रसाद, क्या तुम्हारी सास अभी तक जिंदा है। चाची तुम तो ऐसे कहती हो जैसे मेरी सास का क्रियाकर्म तुमने ही किया था। अबे ओ बाजे वालों, क्या साफ सुन गया तुम लोगों को, बाजा बजाओ और बहुत छाती के जोर से बजाओ। अरे बजाओ नहीं तो पैसे काट लूंगा। बजाओ बजाओ बजाओ।
देखो दीदी, देखो मैंने कैसा लिखा है। शाबाश, बहुत खुश खत लिखती हो। अच्छा अब मैं भी कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, शाम को फिर पढ़ाऊंगी। माफ कीजिए, आप इस नाचीज को कभी खिदमत का मौका ही नहीं देती। कल रात भी आपने खाना शायद बाहर खाया था। आपको कैसे पता है? रसोई से धुआं उठते ही नहीं देखा। लेकिन मैं तो खाना बिजली के स्टोव पर पकाती हूँ। जी हाँ, वो तो साफ नजर ही आ रहा है। अगर कोयले की अंगीठी पर पकाती तो ये हाथ अभी तक कितने गोरे कैसे रहते। हाथ देखना चाहते हैं? कहिए कैसा था हाथ? सोचते होगे अकेली हूँ, जवाब नहीं दे सकूंगी। जय राम, जय राम, राम राम, जय राम, राम राम। ये पूजा तो रोज का धंधा है। मेरे ससुर की कौन सी तारीफ कर रहे हैं बाबूजी? जरा सोचिए, उसने सुन लिया तो क्या कहेगी? अबे अभी शादी को पौने दो दिन हुए हैं और तुमने अभी से बीवी की तरफदारी शुरू कर दी है, तो इसमें बुरी बात ही कौन सी? ओ तो तुम भी आंखें दिखाने लग गए, शादी होते ही भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अबे उस दिन मुरीदो, अभी से तुम्हारा ये हाल है तो आगे चलकर क्या होगा? बहन, बहन ये रहा मेरा कुर्ता। मेरा क्या है, मैं बाजार बनियान पहनकर ही चला जाऊंगा। दुनिया देखेगी तो यही कहेगी ना कि हकीम का धंधा नरम पड़ गया है, जो एक कुर्ते की औकात भी नहीं रखता। जी हाँ मेरे हीरे पन्ने, आते ही तुम्हारी बीवियों ने तुम्हें अच्छा सबक पढ़ाया है। कहिए सुबह कोई कसर रह गई थी? मैं बहुत शर्मिंदा हूं, भगवान जानता है मेरा दिल बुरा नहीं, लेकिन क्या करूं, कमबख्त शायरी का शौक है, इसलिए बात जरा रंग देकर करता हूं। सुबह की बात को भूल जाइए, मैं कसम खाकर कहता हूं आज से आप मेरी बहन। कहिए आपने मुझे माफ कर दिया। जाने दीजिए। शुक्रिया। आज दोपहर की गाड़ी से मेरी माँ आई है, न जाने सफर में क्या हुआ, बेचारी जब से आई है दर्द के मारे तड़प रही है। मेहरबानी करके आप 2 मिनट के लिए उनके पास बैठ जाइए, मैं डॉक्टर से दवा लेकर आता हूँ। प्लीज आपसे हमदर्दी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी माँ का क्या कसूर? जाइए अब दवा ले आइए, मैं उनके पास बैठती हूँ। चाल थी। मैं कहती हूँ खोल दो दरवाजा। दरवाजा भी खुल जाएगा। रुक जाओ भाई, आगे बढ़े तो सर तोड़ देंगे। अच्छी जान किसकी है, जिगर किसका है, ये सर किसका है? मैं कहती हूँ रुक जाओ। अच्छा तो स्पोर्ट्स का भी शौक है? अभी बताती हूँ। होते रह गया इशारा ही। ये लड़की कौन है? कमला लेकिन तुम यहाँ आए कैसे?
मैं यही रहती हूँ। अच्छा हुआ कि तुम आ गए शाम। अपनी माँ की बीमारी के बहाने ये शैतान मुझे यहाँ ले आया था। मैं भी इस शैतान को यहाँ मिलने आया था। पहले के जमाने का दोस्त है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये यहाँ ऐसी हरकतें करता। शाम, मुझे माफ कर दो। एक शर्त, तुम अपनी मनहूस सूरत मुझे कभी नहीं दिखाना, समझे? लेकिन तुम यहाँ कब से रहती हो? जब से घर छोड़ा है। और चाचा जी? वो अमृतसर ही होंगे, उनसे चोरी चली आई हूँ। इस मकान की मालकिन के बच्चों को पढ़ाकर अपनी तालीम पूरी कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं देहरादून में मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मिलिट्री ट्रेनिंग? उस पाइपलाइन के वाक्य के बाद पिताजी अमृतसर से यहाँ चले आए लखनऊ में। गर्मियों की छुट्टियों में उनसे मिलने आया हूँ। देखो कमला, तुम्हारा इस घर में रहना मुनासिब नहीं, तुम हमारे साथ घर चलो। नहीं श्याम, जैसा भी होगा अब यही गुजर कर लूंगी। तुम भी अजीब लड़की हो भाई, जब अपना घर मौजूद है तो बेगानों के यहाँ ठहरने से क्या मतलब? श्याम, तुम जानते ही हो कि बाबूजी और चाचा जी की मेरे कारण अनबन हो गई थी। अगर कहीं बाबूजी को भूले से भी पता चल गया कि मैं घर से भागकर फिर तुम्हारे पास रहती हूँ, तो शायद उन दोनों के मिलाप की जो थोड़ी सी भी आशा है वो भी न रही, बल्कि तुम चाचा जी से जिक्र भी न करना कि मैं यहाँ रहती हूँ। तुम्हारे लिए चाय लाओ। चाय? पहले मैं मुद्दत की चाह की तमन्ना तो पूरी कर लूं। चाह? वो क्या चीज होती है? तुम चाह नहीं जानती? छी, चाहत वो हल्की सी खलिश जिसे मोहब्बत कहते। अच्छा, तो वो चीज? जी हाँ, वही चीज। श्याम, ये क्या मजाक है? रोज रोज की ना, मुझे रंग नहीं। आज मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे साथ सिनेमा चलोगी या नहीं। कल मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ने दो। श्याम, सीधी तरह जवाब दो, चलोगी हाँ नहीं? चलोगी ना? ना। कुछ सोच लो। हैं? नहीं चलोगी। नहीं चलोगी? नहीं नहीं नहीं। मत जाओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबूजी, आज मेरा फाइल का इम्तिहान है, पास होगी तो आपके चरणों में आऊंगी। कौन? क्या बात है बोलो। बाबा, मैं दम कप निकलूंगा। क्या कहा? मेरा दम कब निकलेगा? लल्लू, ये बात तुम्हें किसने सिखाई है? मेरी माँ ने। ओ, तुम्हारी माँ ने? तो अब इस घर में मेरी मौत की दुआएं मांगी जा रही है। बहू, अरे ओ बहू, लल्लू को ये पट्टी तुमने पढ़ाई है? मैंने क्या कहा है जी? अभी कुछ कहा ही नहीं। तुम दोनों तो दिन रात मेरी पगड़ी उछालती हो, मगर अब बच्चों को भी मेरी जान के पीछे डाल दिया है। अगर मैं तुमको इतने बुरा लगता हूँ तो एक रोज खाने में जहर डालकर मेरी छुट्टी कर दो ना। क्या बात हुई बाबूजी?
अपनी करणदासियों से पूछो, ये दोनों तो हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है। अब बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया कि बाबा तुम्हारा दम कब निकलेगा। चौबे चल चल उठ जाओ, चलो दोनों अंदर जाओ। भाभी मजाक में कह दिया होगा जी। मौत का भी मजाक होता है। अरे जन मुरीदो, अभी तुम्हारी शादी को 4 साल हुए हैं, लेकिन मैं 25-30 साल से तुम्हारे नखरे उठा रहा हूँ। आज तुम्हें 12 से ज्यादा औरतें प्यारी हो गई। तो क्या हम दोनों अपनी औरतों का गला घोट दे? कहावत है, जो जो उम्र बढ़ती जाती है अकल घटती जाती है। चल यार क्या ठीक कहते हो बरखुर्दार, अगर घटे ना घटे, लेकिन तुम जैसी औरत के होते हुए उम्र जरूर घटेगी। कंग्रेचुलेशन मिस कमला। थैंक यू। हमें क्या मुबारक देती हो? MBBS के नतीजे में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम और सबसे नीचे हमारा। कंग्रेचुलेशन कमला। थैंक यू वेरी मच। श्याम नहीं, कैप्टन श्याम। क्यों? बहुत अच्छे क्वार्टर्स हैं। देहरादून से कब आए? मैं आज ही आया। जब मुझे पता लगा कि तुम डॉक्टर बन गई हो, तो मैं अपने दिल की बीमारी का इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास यहाँ आ गया। अभी पूरी डॉक्टर कहाँ बनी? अभी तो मैं बतौर हाउस सर्जन ही काम कर रही हूँ। जैसे भी हो, तुम्हारी मंजिल तो तुम्हें मिल गई। अब ये बताओ कि हमारी मंजिल हमें कब मिलेगी? तुम्हारी मंजिल? तुम कैप्टन तो बन चुके हो। अरे पगले, वो मंजिल नहीं, ये जो मुझे 2-4 फुट दूर है। कहो कमला, अब तो मैं तुम्हारा हाथ मांगने का हक रखता हूँ। श्याम, इस बात का फैसला मैं अपने आप नहीं कर सकती। बाबूजी की मंजूरी लेना भी जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती? नहीं श्याम, मेरा मतलब ये नहीं था। और क्या हो सकता है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि चाचा जी तुम्हें मुझसे शादी करने की इजाजत कभी नहीं देंगे। मैं बाबूजी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी, और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर मान जाएंगे। और अगर वो ना माने तो? ऐसा ना कहो श्याम। और क्या कहो? यही कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, और इतना चाहते हुए तुम्हें इतना नहीं बना सका। नहीं श्याम, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। मुझ पर यकीन करो, अगर जिंदगी में मैंने कभी किसी से शादी की तो वो तुम्हारे सिवा और कोई ना होगा श्याम, और कोई ना होगा। रुक क्यों गई? मुझे चाचा जी के सामने जाने से डर लगता है। इसमें डर की कौन सी बात? तुम्हारी कामयाबी का सुनकर तो वो फूले नहीं समाएंगे। नमस्ते चाचा जी। कौन? कमला बेटी तुम? डैडी, आपको सुनकर खुशी होगी कि एक दिन जिस कमला को पढ़ाने के लिए आपने अपनी दोस्ती की कुर्बानी दी, आज वही कमला MBBS में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई है। अच्छा, कमला डॉक्टर बन गई। बेटा बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। कहो, अब राम प्रसाद की आंखें खुली? अब उसे पता चला कि लड़कियां भी कुछ करके दिखा सकती हैं। चाचा जी, मुझे तो घर छोड़े हुए 5 बरस हो गए। क्या कहा? हाँ डैडी, कमला इसी शहर में तो पढ़ती रही है। ना इसे चाचा के बारे में कुछ मालूम है और ना चाचा को इसके बारे में। लेकिन ये तो बताओ, घर छोड़ने की हिम्मत तुम्हें कहां से आई? चाचा जी, जब मुसीबत में एक तरफ आग हो और दूसरी तरफ समुंदर, तो फिर जान बचाने वाला समुंदर में ही कूदता है, चाहे उसे तैरना आता हो या नहीं। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई थी। ए, 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 ए,
लल्लू जरा अपनी माँ से कहो कि मुझे जल्दी से खाना परोस दे। मेरी माँ नौकरानी है क्या? ये मैंने कब कहा है बेटा, नौकर तो मैं हूं, तुम्हारी माँ का भी और तुम्हारे बाप का भी। दिन भर कमर तोड़ के चार पैसे कमाता हूँ और दो दो घंटे रोटियों के लिए तरसता रहता हूँ। तो क्या हम आपको भूखा रखते हैं? मोले वालों को जोर जोर से हमारी निंदा सुनाना तो आपकी आदत हो गई है। बहू अब तुम ये चाहती हो कि मैं गले से आवाज भी ना निकालूं? शुक्र है तुम्हारे खसम अभी कमा कर नहीं लाते, कहीं वो कमाऊ होते तो तुम दोनों ने तो कब का जहर देकर मुझे मार डाला होता। अरे बुड्ढे मेरा नाम क्यों लेता है? मैंने कब तुझे खाने में जहर मिला के दिया है? अरे ओ निर्लज, शर्म नहीं आती ससुर के सर पर बेलन लेकर खड़ी हो गई है? कमबख्त गाली देना है तो सर पर दुपट्टा लेकर तो दे। अपने घर में थी तो लाज शर्म वाली थी, बेहया तो यहाँ आके हुई हूँ और जो कुछ सीखा है इसी घर से सीखा है। इसी घर को मित्रो माफ करना, ओ अम्मा जी सॉरी माफ करना, हमको मित्रो माफ करना, हम नशेंगे। क्या बात है विमला जी? बात क्या होगी खास, ये बुढ़ा ना आगा देखता है ना पीछा, बात बात में इज्जत उतार लेता है। ओ तो फिर खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? भाभी कंकर का जवाब पत्र तो दो ना, तुम्हारे हाथ में बेलन है ना, बस एक हाथ में बुढ़ी का काम हो जाएगा। औलाद हो तो ऐसी हो। अरे धन मरीदो, तुम्हारे लिए अम्मा ने सारी जिंदगी झूठ बोल बोल कर, लोगों को धोखा दे देकर, नकली शरबत बेच बेच कर पैसा इकट्ठा किया, और तुम हो कि मेरी उम्र भर की कमाई को दारू पी पी कर उजाड़ रहे हो। राम जाने वो कौन घड़ी थी जब ये राहु केतु मेरे घर में पैदा हुए, और इससे भी मनहूस वो घड़ी थी जिस दिन बाजे गाजे की गूंज में इन दो चुड़ैलों ने मेरे घर में कदम रखा। क्या कहा? इन देवियों को चुड़ैल कहता है? फिर अगर अच्छा हीरा पन्ना पन्ना ये पन्ना मुझे जो इस तहलीज में कभी पाँव भी रखा। भैया भैया मैंने इस घर से दाना पानी उठ गया है, मैं बच भी रहा हूँ, इस घर कभी नहीं आऊंगा। इस घर का पानी नहीं भैया। एक के चैरिटी शो की करता धरता तो तुम ही हो, जहाँ इतना कुछ किया तो फिर तुम्हें खुद नाचने से इनकार क्यों है? इनका नाच तो जरूर होना चाहिए। लीजिए कैप्टन साहब भी आ गए, इनको भी फांसी होनी चाहिए। देखिए कैप्टन साहब, डॉक्टर कमला हॉस्पिटल एड के लिए एक चैरिटी शो कर रही लेकिन खुद नाचने से इनकार करती। डॉक्टर कमला अगर आपको अकेले नाचने में शर्म आती है तो कैप्टन साहब को भी आप अपने साथ शामिल कर लीजिए। मैं और डांस? अरे भाई साहब पहले हॉल का फर्नीचर इंश्योर करवा लीजिएगा। फर्नीचर या देखने वालों के दिल? हम भी करते हैं प्यार समझ में आया, हम भी करते हैं प्यार समझ में आया, चली हो कहाँ देखो इधर, ये है झूठी ससुराल समझ में आया, ये है झूठी ससुराल समझ में आया, देखो न तुम कैसी नजर से
समझ में आया। लग तो बुरे तुम्हारी खुशी हम तो चले हम भी करते हैं प्यार समझ में आया ये है झूठी तकरार समझ में आया चली हो कहां देखो इधर हम भी करते हैं प्यार समझ में आया ये है झूठी तकरार समझ में आया अपने को तुम कुछ कम नहीं तुम्हारी नजर ये है झूठी तकरार समझ में आया हम भी कर दे है प्यार समझ में आया ऐसी नजर है ये है झूठी तकरार समझ में आया तो हम भी करते हैं प्यार समझ में आया कभी उलझना नहीं मोहब्बत के हैं वफादार हम अगर चाहते हो तुमसे हमें कैसे करेंगे इनकार हम कैसे कहीं कैसे कहीं कैसे कहीं हम भी करते हैं ये है झूठी तकरार समझ में आया चली हो कहां देखो इधर हम भी करते हैं प्यार समझ में आया ये है झूठी तकरार समझ में आया देखो न तुम कैसी नजर से ये है झूठी तकरार समझ में आया तो हम भी करते हैं प्यार समझ में आया कमला तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई चलो जल्दी करो बाहर हल्की सी बारिश भी हो रही है नहीं श्याम अभी तो मुझे शो का सारा हिसाब किताब देखना है लेकिन मैं तो इंतजार नहीं कर सकता सुबह सवेरे मेरी परेड है अच्छा तुम जाओ मैं टैक्सी में चली जाऊंगी श्योर ओके बाय सर्दी के मारे समझे तो मेरे को एक कप चाय पिला दो आपको लेकिन कहाँ यहाँ तक छुपाने को जगह मिल जाए वही रह जाता मेरी घर चलो ही क्यों गरीबों से मजाक करती हो दिल में अगर प्यार दो चार आने नहीं
मैं मजाक नहीं करती हूँ। तुम यहाँ बैठ जाओ। मैं भी आ गई है। चलो बाबा रिक्शा में बैठ जाओ। भगवान तुम्हारा भला करे। कैसे जाओगे बेटी? मैं दूसरी रिक्शा में। इतना सुख तो मुझे अपनी औलाद के हाथों से भी नहीं मिला। आपने ये तो बताया नहीं कि आपकी आंखें कैसे चल गई। हाथों में बच्चे बाप के हाथ की लाठी हो मेरे उस कल मुही की बदौलत हुआ। कौन थी वो? मेरी बेटी। मैं वो घर छोड़कर जाती। मैं शर्म छुपाने के लिए जल्दी में अपने बेटों की शादी उन चुड़ैलों से करता। मेरी सारी बर्बादी का कारण मेरी अपनी औलाद थी। ईश्वर ऐसे औलाद किसी को नहीं दे बेटी। किसे उठाओ? लाला, लाला कुछ तो तरस खाओ। ये घर हमारे बाप दादा की निशानी थी, वो तो तुमने कुर करवा लिया। अब घर के कपड़े बर्तन तो छोड़ दो। छोड़ कैसे दूं? दो साल तक मुफ्त मिलाई है। ठेका मेरे बाप का नहीं, सरकारी है, सरकारी। अरे तो तुमने कौन सी असली पिलाई है? तुम भी तो पानी मिलाते रहे हो लाला। अरे जा जा, उम्र भर पीने के बाद आज होश में आए हो। सोना और तो गले में सोना और फिर भी हमारा साथ उत्तर नहीं किया। अबे ये सोना नहीं है, तांबे पे मुलम्मा चढ़ा हुआ है। कम से कम घर की बहू बेटियों की तो इज्जत रहने दे। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अरे हम भी घर बार वाले हैं। बिल्कुल ये जेवर नहीं लिखना। अच्छा भाई हीरा पन्ना, राम राम, ये घर तुम्हारा ही है। कभी जी चाहे तो दरवाजे में से आकर देख कर फिर चले जाना। एक एक तो घर छीन रहे हो, ऊपर से पहरेदार भी मुफ्त का ढूंढ रहे हो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा कभी भला ना होगा। पहले तुम इस घर से निकलो, चलो। अबे मुंह से बात कर, हाथ कहाँ को उठाता है? रहने दे पन्ना, चल। चलो चलो। आंखों की रोशनी चली गई है हादसे के कारण, जन्म से अंधे तो नहीं? आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं जड़ों से अंधा नहीं। मुझे तो उन सपूतों ने अंधा किया जिन्होंने मेरे घर जन्म लिया। डॉक्टर साहब, इस हादसे को कुछ महीने ही हुए। केस बहुत मुश्किल है, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
तुम खुद समझदार हो। एक तो केस कॉम्प्लिकेटेड है और दूसरे मरीज की उम्र भी काफी है। I'm sorry. मेरे ख्याल में खोई हुई आंखें वापस मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर? आप ठीक कहते हैं, हो सकता है ऑपरेशन करने से शायद आंखों की रोशनी वापस मिल जाए, लेकिन इस उम्र में मैं ऑपरेशन करने की राय नहीं दूंगा। You are quite right. It is very risky thing. हिम्मत ना हारो बेटी, भगवान पर भरोसा रखो। बल्कि तो कहना है कि राम की आंखों का ऑपरेशन तुम खुद करो। मैं? हाँ हाँ, यही तो मौका है जहाँ तुम अपना हुनर दिखा सकती हो। कौन जाने फतह तुम्हारी हो, कुछ हो गया तो? अभी से ऐसा क्यों सोचती हो, नतीजा भगवान पर छोड़ दो। नजर आ रहा है? डॉक्टर, डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता डॉक्टर। अब देखिए, Oh, my God.
डॉक्टर डॉक्टर मुझे कुछ कुछ दिखाई देने लग गया है डॉक्टर, मुझे नजर आ रहा है, देख सकता हूँ डॉक्टर तुम? हाँ राम प्रसाद, मैं। अच्छा हुआ तुम्हारी पुरानी दकिया नुझे। बताओ तुम यहाँ कैसे हो? राम प्रसाद, दोस्त की मुसीबत में दोस्त पास नहीं होगा तो और कौन होगा? लेकिन वो दिल्ली कहाँ है जिसने मुझे नया जीवन बख्शा? कौन है वो? आइए चाचा जी, आपको उस देवी से मिला। हाँ बेटा चलो, मैं उसके एहसानों का बदला तुम नहीं चुका सकता लेकिन उसके कदमों में अपना सर तो रख सकता हूँ। आइए। आपने पत्थर की देवी के दर्शन तो बहुत किया होंगे लेकिन साक्षात लड़की के रूप में देवी को कभी नहीं देखा होगा। राम प्रसाद, देवी देवता सिर्फ मंदिरों ही नहीं इंसान के अपने आसपास भी होते हैं लेकिन पहचानने के लिए नजरों की जरूरत है। चलो राम, यही है वो देवी। मेरी बच्ची, बाबू जी, मेरी बच्ची, तू मेरी बच्ची, ये क्या कर रही है बाबू जी? पिता के पांव तो बेटे को चीनी चाहिए। राम, 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 वो कमला जिस पर तुमने पराया धन समझकर विद्या के दरवाजे बंद कर दिए थे अब एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। इसने तुम्हारी आंखों का अंधकार मिटाकर न सिर्फ तुम्हारी आंखों को रोशनी दी है बल्कि सारे स्त्री समाज के लिए एक मिसाल कायम करती है। तुम सच कहते हो रतन, मैंने हमेशा कमला को गलत समझा और उन खोट सिक्कों से प्यार किया जिनका नाम हीरा और पन्ना है। मैं नहीं जानता था कि मेरे अपने ही आंगन में अपनी लड़की के रूप में एक तुलसी का बूटा जो सदा सुख आनंद और शांति की खुशबू दे। शांत बच्चे, तुम भी मुझे माफ कर दो, मेरा सर हमेशा तुम लोगों के सामने नीचा रहे। राम प्रसाद, वो तो रहेगा ही, आखिर जिसके घर में लगे। पहला पहला प्यार का इशारा कहो जी देखा है कभी।